So hi everyone, welcome back, and today we are going to discuss about a new concept, that is immunization in the bond valuation topic. So अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, पहले बॉन्ड वैल्यूएशन में मैं आपसे ये डिस्कस कर लेता हूँ. सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर से शुरू किया था, अगर आपको याद होगा तो. उसके बाद हमने टाइप्स देखे थे, यील्ड देखा था कि करंट यील्ड, यील्ड टू मेच्योरिटी क्या होता है, वैल्यूएशन वाला भी टॉपिक देखा. उसके बाद ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में कई सारे फॉर्मूलेज देखे, मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखा. उसके बाद कॉन्वेक्सिटी, कॉन्वेक्सिटी भी हमने देखा कि कॉन्वेक्सिटी क्या होता है, और कॉन्वेक्सिटी पे अच्छा खासा डिस्कशन भी हुआ है कि कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट मॉडिफाइड ड्यूरेशन को बेहतर बनाता है, एक नया मॉडिफाइड ड्यूरेशन बनाता है. एंड नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी द इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट. इम्यूनाइजेशन पे कुछ कपल ऑफ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी. एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के एग्जाम में से है और एक क्वेश्चन बाहर से है. आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में फिलहाल कोई भी क्वेश्चन नहीं है, और ना ही इसके इससे रिलेटेड कोई फार्मूला एंड ऑल दैट है. बट वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट अबाउट इम्यूनाइजेशन कॉन्सेप्ट. लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, और फिर हम पढ़ेंगे एक एक करके चीज़ें क्या है. जब आप पढ़ोगे मेरे साथ में, अंडरलाइन करोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी इम्यूनाइजेशन के बारे में. हमारे सिलेबस में या स्टडी मटेरियल में इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड बहुत ही छोटा कॉन्टेंट दिया है, बहुत ही कम कॉन्टेंट दिया है, मैं ये बोल सकता हूँ. इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सर. आज अगर हम कोई बॉन्ड खरीदते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हम एक बॉन्ड खरीदते हैं, 1000 की फेस वैल्यू है, कुछ कूपन रेट मिल रहा है उस पर और कुछ यील्ड है. अब आप ज़रा सा सोचो कि बॉन्ड खरीदने के बाद, बॉन्ड तो अपनी अपनी मेच्योरिटी के हिसाब से सामने वालों ने बेचा होगा. लेट्स से कोई 10 साल की मेच्योरिटी वाला बॉन्ड बेच रहा है, कोई 5 साल की मेच्योरिटी वाला बॉन्ड बेच रहा है. अब मुझे चाहिए, मान लो, या फिर एग्जांपल लो कि कोई 10 साल की मेच्योरिटी वाला बॉन्ड बेच रहा है और कोई 7 साल की मेच्योरिटी वाला बॉन्ड बेच रहा है. मुझे चाहिए सिर्फ 5 साल की मेच्योरिटी, मतलब मेरे को सिर्फ 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है. 5 साल बाद मुझे, 5 साल बाद ध्यान देना, 5 साल बाद मुझे वो बॉन्ड बेच देना है, क्योंकि हो सकता है मुझे पैसों की ज़रूरत हो उस दिन. नहीं हो सकता, आज आपके पास एक्स्ट्रा पैसे है, आपने बॉन्ड में डाल दिया, उसके बाद आपको हर साल कूपन अमाउंट मिलता जाएगा. चलो मान के चलते हैं कि वो कूपन अमाउंट भी आपके उस साल कुछ काम का नहीं, तो आप वापस उसको इन्वेस्ट कर दोगे. ऐसे करते करते 5 साल बीत जाएंगे, 5 साल में जितना भी पैसा आया सब इन्वेस्ट करते गए, और 5 साल के एंड में जितना भी पैसा हुआ वो आपने बॉन्ड बेच के वापस ले लिया. वापस इसलिए लिया क्योंकि मान के चलते हैं कि 5 साल में मेरे को कहीं उस पैसों की ज़रूरत होगी, कोई लाइबिलिटी होगी चुकाने की, कुछ खरीदा हुआ जिसको 5000 या सॉरी कुछ पैसे देने होंगे 5 साल बाद में, तो 5 साल बाद में बेच देना चाहता हूँ. अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है पता है, आप एक प्राइस पे बॉन्ड खरीदते हो और उसके बाद भी इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं. और अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते जाएंगे तो मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड अफेक्ट होती जाएगी. तो कुछ चीजें लेमैन लैंग्वेज में मैं पहले आपको समझाता हूं, ध्यान देंगे. आपने यहाँ पे 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और ये 5 साल, आपको यहाँ पे कूपन मिल रहा है मान लो 100-100 रुपये का मिलता गया. और फिलहाल मान के चलते कि ये जो बॉन्ड है ये 7 साल का बॉन्ड है जिसकी मैच्योरिटी है 7 साल, आपको आगे भी कूपन मिलेंगे, बट हम तब तक बॉन्ड बेच चुके होंगे. क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ पे किसी को 1000 रुपये, सॉरी कुछ एक अमाउंट देनी होगी, लेट से 2000 रुपये, ठीक है, और आपने कैलकुलेशन ही उस हिसाब से किए हैं कि आज अगर ये अमाउंट डालते हो प्लस ये जो बीच बीच में मिल रहा है इन सबको वापस री इन्वेस्ट करोगे, यानी कि यहाँ पे 100 रुपये री इन्वेस्ट कर दोगे. कितने साल के लिए? सर 4 साल के लिए, क्योंकि 5वें साल में सारा पैसा चाहिए ना आपको. तो ये 1000 तो इन्वेस्ट किया, उसका तो प्रिंसिपल मिलेगा ही मिलेगा आपको 5वें साल के एंड में. ये 100 मिला, उसको भी रीइन्वेस्ट कर दिया, इसको भी रीइन्वेस्ट कर दो, इसको भी रीइन्वेस्ट कर दो, इसको भी रीइन्वेस्ट कर दो, इसके लिए 3 साल 2 साल 1 साल और 0.
अब ये सारा का सारा पैसा आपने YTM जो भी है आपकी कैलकुलेट किया और पता लगाया कि यार यहाँ पे 2000 मिल रहे, तो उस हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट किया कि 2000 की लाइबिलिटी जो है उससे मेरा ये 2000 का असेट मैच कर जाएगा उस दिन, तो 2000 रुपये मैं उस दिन लूँगा, ठीक है, बॉन्ड जिसको बॉन्ड जिससे ख़रीदा था उससे, और लाइबिलिटी मेरी मैं चुका दूंगा। आपकी कहानी बहुत सिंपल हो गई। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पे इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान देना, प्रॉब्लम तब आएगी जब आपकी जो ईल्ड है, जिससे भी आपने ये अभी का कैलकुलेशन किया हुआ है, जिससे आपकी ये टोटल 2000 आ रही है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेट से वो 10% थी, अभी हाइपोथेटिकल फिगर है तो कैलकुलेशन मत करना, आपके मैच नहीं होंगे। तो ईल्ड 10% थी तो ठीक है, लेकिन अब मान लो ईल्ड बढ़ गई, 12% हो गई। अब 12% ईल्ड हो जाने की वजह से आपको एक जगह पे फायदा है और एक जगह पे नुकसान है। दो तरह के रिस्क ईल्ड में चेंज होने से आते हैं। एक प्राइस रिस्क। प्राइस रिस्क क्या है सर? ईल्ड बढ़ गया तो मार्केट प्राइस गिर जाएगी। आपने कैलकुलेट किया था 10% के हिसाब से तो 2000 मिल रहा था, अब मार्केट प्राइस अगर गिर गई तो कहीं ना कहीं ये 2000 की अमाउंट थोड़ी कम हो जाएगी, लेट से आपकी 1900 हो गई, तो उस दिन आपको 1900 मिलेंगे और 2000 चुकाने रहेंगे, तो क्या आपको नुकसान नहीं हुआ? नुकसान हुआ सर, ईल्ड के बढ़ जाने की वजह से नुकसान हुआ आपको। लेकिन ईल्ड के बढ़ जाने की वजह से एक फायदा भी होता है। फायदा होता है कि ये जो 100-100 रुपए आप री इन्वेस्ट कर रहे हो, 100 रुपए 4 साल के लिए फिर से इन्वेस्ट किए, अगले साल 100 रुपए 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए, तो अगर 1 साल बाद रेट बढ़ गया, मान लो 10% एक साल तक चला, 1 साल बाद रेट बढ़ गया 12%, और फिलहाल मान के चलते कि अब 12% ही है हर जगह पे, ठीक है, तो एक जो आप जो री इन्वेस्ट कर रहे हो 100 रुपए, पहले जब आपने कैलकुलेशन किया था तो आपने माना था कि 100 रुपए पे आप 10% ही कमाओगे 1 साल का, लेकिन अब 100 रुपए पे आप 12% कमा रहे हो, तो जो 100-100 रुपए का कैश फ्लो है उसके लिए फायदा है, लेकिन जो मार्केट प्राइस है उसके लिए नुकसान है ईल्ड का बढ़ जाना। तो ईल्ड में चेंज आने की वजह से आपको एक जगह फायदा और एक जगह नुकसान होता है। सो मान के चलो ईल्ड अगर आपका बढ़ गया तो प्राइस जो है, मार्केट प्राइस बॉन्ड वैल्यू जो है, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो प्राइस आपकी गिर जाएगी और प्राइस गिरने की वजह से आपको यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी कितनी भी प्राइस गिरो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा, आप इन्वेस्टर हो। उसके बाद आप जो री इन्वेस्टमेंट है, कूपन री इन्वेस्टमेंट जो रहेगा, कूपन री इन्वेस्टमेंट का जो रेट रहेगा ये बढ़ जाएगा, तो इस पे होगा आपको प्रॉफिट, क्योंकि पहले जब कूपन री इन्वेस्ट किए थे तो आपने 10% ही कमाओगे ये मान के चला था 100 रुपए पे, अब आप 12% कमाओगे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि 1% ईल्ड बढ़ाने से, 1% ईल्ड बढ़ाने से प्राइस जो गिरी वो गिरी सर 50 रुपए से, और सारा कूपन री इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर वैल्यू जो आ रहा है वो जिसमें प्रॉफिट हुआ आपको, लेट से प्रॉफिट हुआ आपको 30 रुपए से, तो अल्टीमेट नुकसान जो हुआ आपको 1% का ईल्ड बढ़ने से वो है 20 रुपए का। मैंने बोला ईल्ड बढ़ने से दो चीजें होगी, एक जगह नुकसान एक जगह प्रॉफिट, प्राइस गिरने से नुकसान हुआ और कूपन री इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट हुआ, नेट में आपको 20 रुपए का नुकसान हुआ। अब मान के चलो आपकी ईल्ड गिर गई, ईल्ड गिरी तो प्राइस बढ़ेगी, यहाँ आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि अब आप बढ़ी हुई प्राइस पे बेचोगे मैच्योरिटी पे, लेकिन आपके जो री इन्वेस्टमेंट करने का रेट है 10% पे आप री इन्वेस्ट करोगे 100-100 रुपए को, ये आपने बोला था, माना था, उस हिसाब से कैलकुलेशन किए थे, लेकिन अब ईल्ड गिर गई, ईल्ड गिर के 9% पे आ गई, अब 100-100 रुपए पे सिर्फ 9% ही कमाऊंगा मैं जब मैं वापस कहीं इन्वेस्ट करने जाऊंगा, तो यहाँ सर मुझे होगा नुकसान। अब एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं कि सर प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 50 का, नुकसान हुआ यहाँ पे 30 का, तो अल्टीमेट प्रॉफिट कितना हुआ 20 का, या फिर आप थोड़ा सा फिगर बदल लो कन्फ्यूजन नहीं होना, प्रॉफिट हुआ सर 60 का और नुकसान हुआ लेट से 40 का, तो आपको अल्टीमेट, अच्छा नुकसान हुआ 30 का तो अल्टीमेट प्रॉफिट हुआ आपको 30 का,
आई बात समझ में। तो आपको पहले वाले केस में 2000 की जगह कितने पैसे मिलेंगे, 1980 मिलेंगे, क्योंकि 20 का नुकसान है। और यहाँ वाले केस में आपको 2030 मिलेंगे। यानी आज की डेट में देखो तो एक रिस्क है कि जब मुझे पैसों की ज़रूरत होगी 5 साल बाद, तब शायद यील्ड में बदलाव आए और मुझे मेरा पैसा ना मिले जितना मुझे चाहिए। चलो ज़्यादा मिला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम नहीं चाहिए हमें। तो हमें कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि कितना भी यील्ड बदल जाए, 1% 2% ऊपर जाए, 2% नीचे आए, 5% ऊपर जाए, 5% नीचे आए, मेरा कहीं पे जो नुकसान हो रहा है उतना ही दूसरे जगह पे प्रॉफिट हो जाए। तो मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन निकालनी पड़ेगी कि यील्ड में चेंज कितना भी हो, द लॉस इन प्राइस शुड बी इक्वल टू द प्रॉफिट इन इंटरेस्ट, और द प्रॉफिट इन इंटरेस्ट शुड बी इक्वल टू द लॉस इन कूपन, सो दैट अल्टीमेट प्रॉफिट और लॉस जीरो हो और मैं श्योरिटी के साथ बोल सकूं कि कोई भी केस हो, अब मुझे 2000 मिलना कन्फर्म हो गया और मैं अपनी लाइबिलिटी चुका पाऊंगा। लेट्स से यहाँ पे 50 का प्रॉफिट आ रहा है तो 50 का नुकसान, 50 का नुकसान आ रहा है तो 50 का प्रॉफिट। ये चीज करना यानी बॉन्ड को इम्यूनाइज करना। बॉन्ड को इम्यूनाइज करने का मतलब होता है कि बॉन्ड की वैल्यू सिक्योर करना। आज आपको जो लगता है कि जितना मिलेगा 5 साल बाद में, उतना ही एक्चुअल में मिलना चाहिए, यील्ड कितना भी ऊपर नीचे क्यों नहीं जाए। अब ये सर कैसे कर सकते हैं? आपको एक चीज़ अभी तक समझ में आई कि बॉन्ड इम्यूनाइजेशन होता क्या है? बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि यील्ड में, YTM में जो बदलाव आते हैं ऊपर नीचे, उनकी वजह से हमें दो तरह के रिस्क होते हैं। एक होता है प्राइस रिस्क और दूसरा होता है सर री इन्वेस्टमेंट रिस्क। प्राइस एक जगह प्रॉफिट होगा, दूसरी जगह नुकसान होगा, बट क्योंकि प्रॉफिट और नुकसान जो है उनका अमाउंट या जो एक्सटेंट है वो सेम नहीं होता, तो अल्टीमेट हमको नुकसान हो सकता है और उसकी वजह से जितने पैसे हमें चाहिए थे, जो भी हमारी मेच्योरिटी थी, शायद उतने ना मिले और मैं अपनी लाइबिलिटी चुका ना पाऊँ उस दिन। 2000 रुपये मुझे चुकाने उस दिन, और उस दिन 2000 चुकाने के लिए मुझे 2000 मिलना चाहिए। तो ये चीज़ इंश्योर करने के लिए बॉन्ड को इम्यूनाइज करना ज़रूरी है। क्वेश्चन दूसरा उठता है सर कि बॉन्ड को इम्यूनाइज कैसे करें? अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ हमने अभी तक मतलब कंसिडर नहीं की है, नेम द टाइप ऑफ टर्म स्ट्रक्चर थ्योरी। सो टर्म स्ट्रक्चर थ्योरी पहले दिया हुआ था, मैं भूल गया कि हमको पहले ये चीज़ पढ़नी चाहिए थी और उसके बाद इम्यूनाइजेशन पढ़ना चाहिए था। तो टर्म स्ट्रक्चर थ्योरी भी मैं आपको थोड़े टाइम में, जैसे इम्यूनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस खत्म होंगे तब हम डिस्कशन करेंगे टर्म स्ट्रक्चर थ्योरीज का। फिलहाल के लिए छोड़ दो, बहुत छोटा टॉपिक है तो वो आसानी से हो जाएगा। तो सर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 33 से इम्यूनाइजेशन वाला टॉपिक शुरू होता है। कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आपकी बुक और आपका पेन रेडी रखो। वी नो दैट व्हेन इंटरेस्ट रेट गोज अप ऑल्दो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव्स। ध्यान देना, इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है यील्ड। जब आपका यील्ड ऊपर जाता है, ऊपर गया, तो क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव्स बट वैल्यू ऑफ बॉन्ड फॉल्स। तो जो री इन्वेस्टमेंट है आपका, कूपन अमाउंट आप री इन्वेस्टमेंट करोगे यहाँ पे, तो वो बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है जब यील्ड बढ़ा तो, लेकिन बॉन्ड की वैल्यू गिर जाती है। एंड वाइस वर्सा, दस द प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्राइस रिस्क एंड री इन्वेस्टमेंट रेट रिस्क। ये आगे डिस्कस करेंगे हम। फर्दर विद द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, ध्यान देना, विद द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, जो बदलाव आते हैं चेंज इन यील्ड, दीज टू रिस्क मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। प्राइस रिस्क ऊपर जा रही है तो ये नीचे जाएगा, और ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा। मतलब अगर प्राइस बढ़ी तो री इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शन है वो कम हो जाएंगे रेट, और अगर प्राइस गिरी तो री इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ जाएगा। दो द प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन, अच्छा, दो द प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन इज द सिलेक्शन ऑफ बॉन्ड्स, इम्यूनाइजेशन सिलेक्शन, रुको, इन द प्रोसेस, अच्छा यहाँ लिखना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन,
through the process of immunization, selection of bonds shall be in such a manner that the effect of the above two risk shall offset each other. ध्यान दिया आपने? मैंने भी अभी तक आपको इतना ही बताया है कि जो इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस है वो इस तरह से होनी चाहिए कि आप इस तरह से बॉन्ड का सिलेक्शन करो, इतना अमाउंट ए बॉन्ड में, इतना अमाउंट बी बॉन्ड में इन्वेस्ट करो कि ये जो रिस्क है, दोनों प्राइस रिस्क और री इन्वेस्टमेंट रिस्क, ये दोनों को ख़त्म कर दे, एक रिस्क दोनों दूसरे को ख़त्म कर दे. तो प्रॉफिट नुकसान को ख़त्म कब करेगा? जब प्रॉफिट भी 50 का होगा, नुकसान भी 50 का होगा. इतनी तो चीज़ समझिए आपको. ये बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, पहले एक टेबल देखो. बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको सब समझा देता हूँ, उसके बाद में बहुत सारा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो वो पार्ट आपके लिए भले ही बोरिंग होगा, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा आप सीखते हो. अब ध्यान देना, कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी जो कैलकुलेट की है, मान के चलो कि कूपन रेट है 15.30% का, तो आपको 1000 की फेस वैल्यू पे 15.30% यानी 153 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा. 153 रुपये का इंटरेस्ट हर साल मिलेगा. 7 साल का बॉन्ड है सर. टू अ मैच्योरिटी इज करंटली यील्डिंग 10%. अभी का यील्ड कितना है? 10% है. अब आप अगर आप नीचे एक टेबल दिया हुआ है आपको, जिसमें हमने 10% से भी कैलकुलेशन किया है, और उसके बाद हमने किया कि यार 1% YTM बढ़ा के देखते हैं, तो हमने इंक्रीज़ किया 11% पे, और दोनों के हिसाब से कुछ कैलकुलेशन किए, वो ध्यान देना. पहला रो आपको दिखाता है टाइम, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतने साल है, ठीक है? दूसरा रो आपको दिखाता है कि मैच्योरिटी, हर पॉइंट पे वो बताता है कि कितने साल बाकी है मैच्योरिटी को. तो 0th पॉइंट पे 7 साल बाकी है, 1 साल बाद में सिर्फ 6 साल बाकी है, 2 साल बाद सिर्फ 5 साल बाकी है, और इस तरह से कैलकुलेशन किए. तीसरा रो आपको दिखाता है कि आपको हर साल कूपन अमाउंट कितना मिल रहा है. तो अगर आप ध्यान दोगे तो 153, 153, 153 ये आपकी कूपन अमाउंट है. और आखिरी में अगर आप देखोगे तो 7वें साल में आपको 1000 रुपीज़ मिल रहा है, जो कि रिडम्पशन वैल्यू है, ठीक है? तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई. अब मैं पहला सिनेरियो लेता हूँ जहाँ पे मेरा YTM जो है वो 10% है. कोई भी पॉइंट पे मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड अगर आपको निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे? मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड की जो प्राइस है, इट इज़ नथिंग बट इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर प्लस रिडम्पशन वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है? तो ध्यान देना मैं आपको क्या बता रहा हूँ. ये 7 साल है सर. अगर आपको बॉन्ड की प्राइस यहाँ पे निकालनी है, मैं उसको बॉन्ड वैल्यू ज़ीरो, तो आप कैसे निकालोगे? यहाँ से आगे मिलने वाले इंटरेस्ट, कितने कैश फ्लोज है उसके? 7 कैश फ्लोज है, और 1 आपका रिडम्पशन वैल्यू है. इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे. क्या रेट से सर? 10% का रेट चल रहा है अभी. और टोटल करोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी. तो बॉन्ड वैल्यू ज़ीरो कितनी कैलकुलेट की हमने, ध्यान देना. ये बॉन्ड की प्राइस, ज़ीरो पॉइंट पे बॉन्ड की प्राइस हमने कितनी कैलकुलेट की सर? 1258.03, ठीक है, आज की डेट में प्राइस. ठीक है, ये हमने प्राइस कैलकुलेट कर लिया आज की डेट में कि बॉन्ड की प्राइस कितनी आ रही है. अब एक चीज़ नोटिस करो, टोटल बॉन्ड की प्राइस 1258.03, जीरो पॉइंट पे तो कोई आपको कूपन मिला नहीं, इसलिए यहाँ पे कॉलम खाली आ रहा है, ठीक है? अब आप एक काम करो, 2 साल मान लो कंप्लीट हो गए और BV2 निकालना है, बॉन्ड वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर कैसे निकालोगे? सर, इसके आगे जितने कूपन मिलने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और जो रिडम्पशन वैल्यू है 7वें साल में उसकी प्रेजेंट वैल्यू. सो ध्यान देंगे तो यहाँ से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल ही बचे हैं. तो डिस्काउंटिंग 5 साल के इंटरेस्ट को करोगे और रिडम्पशन वैल्यू को 5 साल से पीछे खींच के लाओगे, 7 साल से 2 साल पे लाना, यानी 5 साल से डिस्काउंटिंग करना, और इन सब की टोटल करोगे. यानी मेरा बोलने का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट पे बॉन्ड की वैल्यू निकाली जा सकती है उसके फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के. तो हमने किया क्या सर? हमने यही चीज़ की. आप अगर ध्यान से देखोगे तो बॉन्ड की प्राइस 1258.03 है जब 7 साल बाकी थे,
कूपन अपना यील्ड अपना सेम है, यहाँ पे देखना बॉन्ड की प्राइस 1230.83 हो गई, बॉन्ड की प्राइस थोड़ी सी गिरी है। और क्यों गिरी है? क्योंकि एक साल का कूपन अब निकल चुका है, एक साल कम हो चुका है। ये जो एक साल के एंड में आपने बॉन्ड की प्राइस निकाली, ये निकाला है जब मेच्योरिटी सिर्फ 6 साल की थी, 6 साल और बाकी थे, तो 6 कूपन लोगे प्लस 6 साल से आप रिडम्पशन वैल्यू को डिस्काउंटिंग करोगे। ये इसके आगे के जितने भी कैश फ्लोज है उन सबको डिस्काउंटिंग करोगे। उसके बाद सर प्राइस आती है 1200। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ आखिरी बार, सेकंड ईयर के एंड में बॉन्ड की प्राइस अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ों की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे? इसके आगे ये इतना जो पार्ट मैं मार्क कर रहा हूँ ना, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये प्राइस आएगी, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, फिर से तीसरे साल में जो आपने बॉन्ड की प्राइस निकाली है ये उसके आगे के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है, तो उससे आती है। इस तरह से हर साल की हम निकालते चले गए। और अब ध्यान दो, लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर ही बाकी है, और तो क्या आज के दिन 1000 रुपये मिलेगा? इसके फ्यूचर में तो कोई कैश फ्लो है ही नहीं, तो 1000 ही वैल्यू आती है, 1000 की वैल्यू 1000 ही आ रही है। ठीक है, इतना तो आपको समझ गया। अब मैं क्या बोलता हूँ थोड़ा सा ध्यान देना, हमने क्या किया, बॉन्ड का ड्यूरेशन भी निकाला, हर पॉइंट पे बॉन्ड का ड्यूरेशन भी निकाला। तो ड्यूरेशन देखो, 0 पॉइंट पे आ रहा है 5, उसके बाद आ रहा है 4.5। क्वेश्चन ये आता है सर कि ये ड्यूरेशन यहाँ पे 4.5 कैसे आया? एक साल कम हो गया, अब एक साल कम हो गया तो ड्यूरेशन के फॉर्मूले में आप इसके आगे के टर्म लोगे जितना आपका बाकी है, तो 6 साल ही आपका बाकी है यहाँ पे, तो 6 साल के कूपन, 6 साल का वो, फिर से कैलकुलेट करोगे ड्यूरेशन तो आपका एग्जैक्टली 4.50 आएगा। ऐसे करते करते हम हर पॉइंट पे ड्यूरेशन कैलकुलेट करते आ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, ये सारे कैलकुलेशन का मतलब, अच्छा दूसरा जो है री इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ मैं, ये जो पॉइंट है ना री इन्वेस्टमेंट कूपन्स आपको समझना ज़रूरी है। तो अब आपको जो पहले साल 153 रुपये मिला है, 153, उसका आप क्या करोगे? आप मान के चलते हो कि सर उसको हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले साल का एंड में जब मेरे पास 153 रुपये आए तो ये 153 रुपये मैंने वापस मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, और जब मैं उन्हें वापस मार्केट में इन्वेस्ट किया तब मार्केट रेट चल रहा था 10%, तो मैंने 10% पे इन्वेस्ट किया। तो ठीक अगले साल 2 साल के एंड में मेरे पास सर कितना पैसा होगा? 153 मैंने पिछले साल इन्वेस्ट किया था, उस पर 10% मिलेगा 168.3, प्लस इस साल का भी 153 मिलेगा, तो 168.3 प्लस 153 टोटल आता है सर 321.30। आ रहा है कहीं, मैच हो रहा है? तो आपको मैं ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि ये 321.30 कहाँ से आया आपकी बुक में, री इन्वेस्टमेंट कूपन सेकंड ईयर में 321.30 दिया है। ये जो पहले वाली फिगर थी इसमें आप 10% ऐड करोगे क्योंकि एक साल बीत चुका है, प्लस उस साल सेकंड ईयर में जो मिला हुआ 153 है। तो अगर मैं मार्किंग करूँ तो ब्लू से मार्किंग कर रहा हूँ, ये ब्लू जिसमें 10% और ऐड करोगे और ये ब्लू, इन दोनों की टोटल 153 प्लस 10% और 153 की टोटल 321 आती है। ठीक है, आपने क्या किया सर, अब आपके पास में 321.30 है, एक और साल अगर आप आगे बढ़ाओगे तो इसको भी आप इन्वेस्ट करोगे 321.30 में, 10% और ऐड होगा प्लस ये 153, तो आपको फिगर मिलेगी 506.43। कहाँ से आई सर 506.43? पिछले साल का जो इंटरेस्ट था वापस एक साल के लिए इन्वेस्ट किया और 153 रुपये उसमें और इस साल का ऐड किया। इसी तरह से सारे मैंने कैलकुलेट किए हैं री इन्वेस्टमेंट के कूपन्स कर लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अब इससे क्या पता चलता है सर, किसी भी साल, ध्यान देना, किसी भी साल अगर मुझे बॉन्ड, एक सेकंड, किसी भी साल मुझे अगर बॉन्ड बेचना हो तो मैं बेच सकता हूँ, और उस दिन मेरे पास कितना पैसा होगा। एग्जांपल के तौर पे लेट्स से वी टेक थर्ड ईयर, हम तीसरा साल लेते हैं, तीसरे साल के एंड में अगर आप मार्केट में बॉन्ड बेचने जाओगे तो आपके हाथ में कितना पैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। दो चीज़ें होगी आपके हाथ में, एक तो बॉन्ड बेचोगे, बॉन्ड बेचोगे सर 1168 पॉइंट, एक सेकंड, आप बॉन्ड बेचोगे सर 1168.00 पे,
वो कैसे कैलकुलेट हुआ, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। तो बॉन्ड बेच के 1168 मिल गए, और जो आपने अभी तक इंटरेस्ट इन्वेस्ट करते आए थे कहीं पे, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट भी आपको इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा वो है सर 506 रुपये 43 पैसे। तो यहाँ से 506 मिला, यहाँ से 1168 मिला, तो तीसरे साल के एंड में जब आपने बेचा तो आपके हाथ में कितना आया, 1674.43। ठीक है, तो आपको ये रो समझी क्या, ये रो क्या है, ये रो वो अमाउंट है कि अगर आप किसी भी साल बॉन्ड को बेचते हो तो आपके हाथ में कितने पैसे आएंगे। ठीक है, समझ गया सर, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ें समझ गई अब इसमें। अब एक चीज़ ध्यान दो, मान लो इंटरेस्ट रेट रहते हैं सेम 10%, ठीक है। अब अगर मैं तीसरे साल में बेचता हूं तो मेरे हाथ में 1674.43 आते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब इंटरेस्ट रेट आपके 10% रहे। अगर एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके बाद इंटरेस्ट रेट बदल गए, तुरंत ही बदल गए, मान लो फॉर एग्जांपल 0 पॉइंट पे आपने खरीदा और उसी दिन इंटरेस्ट रेट बदल गए, और लेट से हमने बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट 11% कर दिया, तो 1% से इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो जब अब हम तीसरे साल में बेचने जाएंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा ये पता लगाओ। अब एग्जैक्टली आप बोलोगे 1674.43 मिलेगा, नहीं सर, 1674.43 में 1168 कैलकुलेट किया गया था 10% YTM लेके, और 506.43 भी रीइन्वेस्टमेंट का कैलकुलेट किया गया था 10% YTM लेके। लेकिन सर अब YTM ही आपका बदल गया, वो हो गया 11%, और अगर YTM ही आपका 11% हो गया तो ये वैल्यूज भी बदलेगी। चलो हमने नीचे फिर से कैलकुलेशन किया, हमने रखा सर YTM को 11%, और फिर से कैलकुलेशन किया ड्यूरेशन का, बॉन्ड की प्राइस का और रीइन्वेस्टमेंट कूपन का। बॉन्ड की प्राइस का जब वापस कैलकुलेशन किया तो सर हमारे पास पता चला कि हमको बॉन्ड की प्राइस गिर गई, YTM बढ़ाया तो बॉन्ड की प्राइस गिरनी थी, 1168 से 1133 हो गई। ध्यान दो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो, 1168 से 1133 हो गई, ये जो 1168 है उससे कितनी होगी बॉन्ड की प्राइस, 1133 हो गई। YTM बढ़ा, बॉन्ड की प्राइस गिरी, और उसके बाद एक जगह तो ये तो नुकसान हो गया आपको, कितना नुकसान हुआ देखो, मैं वापस वही टेबल निकाल रहा हूँ स्टार्टिंग वाला। YTM बढ़ गया 1% से, तो प्राइस गिरेगी ये तो कन्फर्म है, और कूपन जो है आपके इस पे आपको फायदा होगा। तो प्राइस गिरी, कितने से गिरी सर, 1168 माइनस 1133, 1168 माइनस 1133, मैं एक रफ फिगर लेके चलता हूँ, सो दैट्स 35 रुपीज का आपको नुकसान हुआ इसमें। चलो ठीक है, एक जगह तो नुकसान होना ही था, लेकिन कूपन जो है पहले 10-10% से री इन्वेस्ट कर रहे थे, अब 11-11% से री इन्वेस्ट कर रहे, तो उसमें आपको फायदा दिखेगा। सो कूपन अमाउंट अगर आप देखोगे 10% से 506 आ रही थी, लेकिन यहाँ पे आ रही है 511, 5 रुपये का यहाँ फायदा है, 511 माइनस 506, तो यहाँ आपको 5 रुपये का फायदा है, क्योंकि अब आपको 511 रुपये मिल रहे हैं 506 के। समझ में आया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कैसे कूपन की अमाउंट बढ़ गई और ये आपकी कम हो गई, ठीक है। लेकिन नेट में अगर आप देखोगे तो आपको 30 रुपये का नुकसान हुआ है, कैसे, ध्यान देना सर, 10% अगर रहता तो आप 1674 पे बेचते, लेकिन 11% YTM होने की वजह से अब आपको 1644 पे बेचना पड़ रहा है। कंपेयर करो 1674 1644 1674 1644, आपको 30 रुपये का नुकसान हो रहा है यहाँ पे। क्यों नुकसान हुआ, क्योंकि आपकी यील्ड बदल गई, 1% से यील्ड बढ़ गया। एक सेकंड, जान दो। तो अब सर हम करें क्या, मतलब कोई ऐसा रास्ता है क्या सर,
कि आज मैं इन्वेस्ट कर दूं, 10% रेट चल रहा, आज मैं इन्वेस्ट कर दूं, फिर यील्ड बढ़े या कम हो, बढ़े या कम हो, मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए। सर, इसका रास्ता है, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं बॉन्ड इम्यूनाइजेशन। और अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं जो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। आप अगर देखोगे ये प्रॉफिट और लॉस जो हमने निकाला, इसमें 30 रुपये का नुकसान आपको यहाँ आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे आओगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे बिल्कुल नुकसान नहीं है आपको, 0.43 पे आपको बिल्कुल, मतलब ये जो 0.43 का नुकसान या प्रॉफिट जो भी हो रहा है, यानी यहाँ पे 10% अगर रही तो भी आपको 2026 रुपये मिलेंगे, 11% हुई तो भी 2026 मिलेंगे। और ये कब मिल रहे हैं पता है आपको? ये मिल रहे हैं सर 5वें साल में। अगर आप 5th ईयर को देखोगे, तो 5th ईयर में सर 0.43 का ही नुकसान या प्रॉफिट आ रहा है। यानी कि भले ही YTM 10% हो या YTM 11% हो, आपको सेम अमाउंट मिल रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत ही आसान, देखो YTM यहाँ पे 1% से बढ़ा। अगर आप नोटिस करोगे तो 1091.98 मार्केट प्राइस थी, जो कि अब हो गई 1073। ठीक है, 1098 माइनस 1073 तो ये हो गया 25 रुपये का नुकसान। क्योंकि YTM बढ़ा है तो मार्केट प्राइस गिरेगी, नुकसान तो होगा, लेकिन 934 रुपीज़ का इंटरेस्ट जो पहले मिल रहा था अब आपको मिल रहा है 953। 934 और 953 अगर आप निकालोगे तो ये कुछ, अच्छा एक सेकंड देखने दो, मैंने गलत फिगर लिया क्या? वन जीरो नाइन एट और 1073, 1092 था, सॉरी मेरी गलती है, 1092 का हो गया 1073, तो नुकसान कितना हुआ 19 रुपीज़ का, और यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ 19 रुपीज़ का। नेट प्रॉफिट और लॉस ज़ीरो। इसका मतलब जो आप प्राइस, जो आपको पैसे मिलते 10% का यील्ड रहने पे, उतने ही पैसे मिल रहे 11% का यील्ड रहने पे 5 साल के एंड में। तो सर हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये 5 साल, मतलब हमको स्टार्टिंग में कैसे पता चलेगा कि ये 5 साल के एंड में हमको प्रॉफिट और लॉस नहीं होता? बहुत ही आसान है, ये तो मैंने आपको बताया, जब यील्ड 10 से 11% हुआ, बढ़ा, आप एक काम करो, यील्ड को 10 से 9% कर दो। जब आप यील्ड को 10 से 9% करेंगे और फिर से कैलकुलेशन करेंगे, तो ये नीचे वाला टेबल है, नीचे वाले टेबल में हमने डिक्रीज किया है यील्ड को, और आप ध्यान देंगे तो ये 5वां साल है, 5वें साल के एंड में अगर आप देखोगे तो फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको बिल्कुल नुकसान नहीं हो रहा। सिर्फ ये ही एक जगह है जहाँ पे आपको एक बिल्कुल नुकसान नहीं हो रहा, बाकी आप कितना भी देख लो, उधर माइनस में जा रहा, उधर माइनस में जा रहा, इधर देखो प्लस 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 आ रहा है। यानी कि बाकी कुछ भी पीरियड ले लो, इम्यूनाइजेशन कहाँ पे हुआ? जहाँ पे हमको कोई भी प्रॉफिट या नुकसान नहीं हुआ, वो है 5th ईयर के एंड में। और ये आपका आंसर पहले ही दिन निकल चुका था, कैसे बताऊं, ध्यान देना, उस 5th ईयर को आप इससे कंपेयर करो। ड्यूरेशन जब आपने निकाला स्टार्टिंग में, तब वो 5 आ रहा था। इसका मतलब क्या है पता है? 5th ईयर की एंड में आपको मतलब अगर आपका जो ड्यूरेशन है और आपका टारगेट डेट है वो सेम रहता है, एग्जांपल के तौर पे मुझे पाँच साल बाद लाइबिलिटी है कहीं 2026 रुपये चुकाने हैं, और मेरे इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन भी 5 साल है, इसका मतलब मैं 5 साल बाद बेच दूंगा, क्योंकि मुझे 5 साल बाद लाइबिलिटी है, तो जाके मुझे कोई भी नुकसान नहीं होगा। यानी कि आप का जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए?
जितने पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हो। अगर आप 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हो तो ड्यूरेशन आपको 4 पे लेके आना पड़ेगा। इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ड्यूरेशन का अमाउंट रहेगा स्टार्टिंग में, जैसे 5 था, वो ही एक पॉइंट है सिर्फ जहां पे आपको बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, यील्ड कितना भी बदले। ये कैलकुलेशन आप घर पे करके देखना, क्योंकि इसमें कम से कम मैं बता रहा हूँ कितनी बार आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 28 बार इंटरेस्ट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ रही है। दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 4 घंटे लग जाएंगे इसी चीज़ को डिराइव करने में। ऑलरेडी ये फिगर कैलकुलेट की हुई है, कोई भी फिगर आप इसमें से क्रॉस चेक कर लो अपने कैलकुलेशन करके, और आप भी कैलकुलेशन करने मत बैठना इतना। सिर्फ एक कंक्लूजन है इस पूरे मुद्दे का, हर जगह पे देख लो प्रॉफिट नुकसान है, लेकिन आपका मैच्योरिटी या होल्डिंग पीरियड या टारगेट डेट जिसको बोलते हैं, इफ दैट इज इक्वल टू द ड्यूरेशन, देन द बॉन्ड इज इम्यूनाइज्ड, बॉन्ड इज इम्यूनाइज्ड। बट अगर आपको 4 साल तक रखना है पैसा, और 4 साल बाद किसी की लाइबिलिटी है तो देना होगा कहीं पे आपको, तो आप बोलोगे कि 4 साल बाद मैं बॉन्ड को बेच देता हूं, और ड्यूरेशन अगर आपका निकला 5 साल तो बॉन्ड इम्यूनाइज्ड नहीं है सर। आप 4 साल बाद जब बेचने जाओगे ऐसे केस में तो आपको 16 रुपये का नुकसान होगा यहाँ पे, ठीक है, अगर YTM बढ़ गया तो, और अगर गिरा YTM तो इसमें 17 रुपये 28 पैसे का फ़ायदा हो रहा है। तो फ़ायदा नुकसान कुछ भी हो सकता है। अगर आपको इंश्योर करना है, हेज करना है, रिस्क हटाना है, तो ड्यूरेशन शुड बी इक्वल टू द पीरियड फॉर विच यू वॉन्ट टू कीप योर बॉन्ड, the period for which you want to stay invested, you will not dilute the funds. बेचना नहीं आपको सर, कब तक नहीं बेचना, जब जो ड्यूरेशन है तब तक नहीं बेचना। तो अल्टीमेटली इम्यूनाइजेशन का मतलब ये हो गया। कुछ चीज़ें हम और पढ़ेंगे आप, और फिर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझा दूंगा, उसके बाद कुछ हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। आइए सर ध्यान देंगे। अगर आपको और आगे मतलब जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो पढ़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, तो सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ना टेबल के नीचे वाला, ये वाला ध्यान में रखो, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अ पोर्टफोलियो इज इम्यूनाइज्ड व्हेन इट्स ड्यूरेशन इक्वल्स द इन्वेस्टर टाइम होराइजन। इन्वेस्टर का जितना टाइम होराइजन है, जितने पीरियड के लिए वो इन्वेस्टमेंट रखना चाहता है, उतना अगर आपके पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन है तो आपका बॉन्ड इम्यूनाइज्ड है। आप बिंदास सो सकते हो, कितना भी यील्ड ऊपर नीचे हो जाए आपके पोर्टफोलियो को नुकसान नहीं होगा, और ये मैंने ऊपर कैलकुलेट करके दिया है। इसके अलावा भी आप कोई भी घर में एग्जांपल लेके देखो, आंसर आपका मैच करेगा। और अब मैं समझाने जा रहा हूं, तो कुछ चीजें आप ध्यान दो, बेसिक से चलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं सर, नॉर्मली इंटरेस्ट रेट अफेक्ट करते हैं बॉन्ड के प्राइसेस को इन्वर्सली। ये तो आपको भी बात पता है कि बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट्स के साथ में, इंटरेस्ट रेट का मतलब होगा आगे से यील्ड, इसके साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। व्हेन इंटरेस्ट रेट्स गो अप बॉन्ड की प्राइसेस गो डाउन, बट व्हेन अ बॉन्ड पोर्टफोलियो इज इम्यूनाइज्ड, अगर आपका बॉन्ड पोर्टफोलियो इम्यूनाइज्ड है, द इन्वेस्टर रिसीव्स अ स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न ओवर अ गिवन टाइम पीरियड रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस टू इंटरेस्ट रेट्स। अब ये वाला सेंटेंस मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपका पोर्टफोलियो इम्यूनाइज्ड है तो फर्क नहीं पड़ता इंटरेस्ट रेट कितना भी ऊपर चले जाए, 5 साल या उतने पर्टिकुलर पीरियड में आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो सेम रहेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा। तो हमने जो प्रॉब्लम लिया था उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था मैं आपको बताता हूं, कितने में खरीदा था स्टार्टिंग में सर, 1258 में आपने खरीदा था। अब आज से 10% अगर ये लो, यहां पे आपने जब स्टार्टिंग में खरीदा था तो सर आपने अपने जेब से कितने पैसे दिए थे, 1258 दिए थे। अब मैं आपको 3 सिनेरियो बता रहा हूँ, अगर सिर्फ 10% ही रहा YTM तो 5 साल के एंड में आपको कितना पैसे मिलते बेचने के बाद, 2026। इस 2026 में बॉन्ड की प्राइस भी इंक्लूडेड है, और पूरे पिछले 4 सालों का, 5 साल के एंड है ना, तो पिछले 4 सालों का जितना भी आपने इंटरेस्ट हासिल किया उसको रीइन्वेस्ट करते गए
उसकी भी वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इंक्लूडेड है. लेकिन अगर बॉन्ड YTM 9% हो गया या 11% हो गया, लेट्स से YTM 11% हो गया, तो भी कितना मिल रहा है आपको? 2026 मिल रहा है. और अगर YTM आपका 9% भी हो गया सर, तो भी आपको कितना मिल रहा है सर? 9% पे ध्यान दो, 9% पे आपको कितना मिल रहा है? 2026 मिल रहा है. यानी मैं बोल सकता हूँ कि मेरा अब YTM इंटरेस्ट कुछ भी हो, मेरा रिटर्न फिक्स हो गया. और रिटर्न कितना है सर? 2026 मिलेंगे माइनस 1258, तो मेरा रिटर्न आ रहा है 768 रुपीज़ का. कोई भी केस में मेरा रिटर्न फिक्स हो गया, अगर मेरा ड्यूरेशन और इन्वेस्टर का टाइम होराइजन सेम है. तो 768 डिवाइडेड बाई 1258 इंटू 100 अगर आप करोगे तो आपका रिटर्न है सर 61.05%. और ये रिटर्न फिक्स हो चुका है ऑलरेडी. आई बात समझ में? YTM को कितना भी ऊपर नीचे जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो ये मतलब है उस सेंटेंस का. द इन्वेस्टर रिसीव्स अ स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न ओवर, ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, ओवर अ गिवन टाइम पीरियड रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस टू इंटरेस्ट रेट ड्यूरिंग दैट टाइम. इन अदर वर्ड्स द बॉन्ड इज इम्यून टू फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट. इम्यून मतलब सेफ है, मेरे को इम्यूनिटी मिली है. आप गेम्स खेलते हो तब इम्यूनिटी नहीं मिलती आपको? चलो, टू इम्यूनाइज अ बॉन्ड पोर्टफोलियो, अगर आपको बॉन्ड पोर्टफोलियो इम्यूनाइज करना है तो यू नीड टू नो द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड. मैंने बोला था आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड का ड्यूरेशन कितना है, क्योंकि जितना बॉन्ड का ड्यूरेशन उतना ही आपका टाइम होराइजन होना चाहिए. और अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल का है और ड्यूरेशन 6 साल का है, तो कुछ तो करना पड़ेगा. ठीक है, क्या करेंगे आगे देखना. यू नीड टू नो द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड्स इन द पोर्टफोलियो एंड एडजस्ट द पोर्टफोलियो. और एडजस्ट करना है आपको पोर्टफोलियो. एग्जाम्पल के तौर पे, लेट्स से अब हम सिर्फ एक बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, हमारे पास में सर 3 बॉन्ड है ABC, और ये जो 3 बॉन्ड है इस तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं पोर्टफोलियो. तो हमारे पास पोर्टफोलियो जिसके अंदर 3 बॉन्ड है, इन तीनों का मुझे ड्यूरेशन पता होना ज़रूरी है. लेट्स से इसका 5 साल है, इसका 4 साल है और इसका है 8 साल. और मुझे मेरा जो टाइम होराइजन है, इन्वेस्टर को जो पैसा रखना है तीनों बॉन्ड में, वो है लेट्स से सर 7 साल. आई बात समझ में? यानी कि इन्वेस्टर चाहता है कि मैं 7 साल बाद तीनों बॉन्ड्स को बेच डालूंगा. ये तो अपने आप बिक जाएंगे 5 और 4 वाले, लेकिन फिर री इन्वेस्टमेंट करते जाओगे और 7 साल के एंड में आपको पैसा चाहिए कुछ. तो आपको पहले, तो अगर आपको इम्यूनाइज करना है इस पूरे पोर्टफोलियो को, तो पहले तो तीनों के ड्यूरेशन पता होने चाहिए. और उसके बाद आप तीनों के ड्यूरेशन को इस तरह से एडजस्ट करोगे कि पूरे पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन 7 साल है, क्योंकि आपका टाइम होराइजन 7 साल है, तो पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन 7 साल होना ज़रूरी है. तब जाके मैं बोलूँगा कि बॉन्ड इम्यून है. बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का एक फॉर्मूला, ड्यूरेशन शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टर्स टाइम होराइजन. यहाँ लिखो ऊपर में, ड्यूरेशन शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टर्स टाइम होराइजन, मतलब इन्वेस्टमेंट कितने पीरियड के लिए रखना चाहता है वो. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने यहाँ पे लिया, ध्यान देना. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू नीड टू हैव $50,000 इन 5 years. आपको आज से 5 साल बाद में अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए $50,000 चाहिए, तो आज आप कितना इन्वेस्ट करेंगे? $50,000 आपको सर 5 साल बाद चाहिए. तो आज $50,000 इन्वेस्ट करेंगे? नहीं सर, इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेट्स से वो आती है $40,000. ये पता चल गया आपको कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी यील्ड निकालना, कोई भी यील्ड ले लो ना, जो भी आपका करंट यील्ड है वो लेके आप 40,000 निकाल दो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू नीड टू हैव $50,000 इन 5 years फॉर योर चाइल्ड्स एजुकेशन. यू माइट डिसाइड टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड. और आप सोच रहे हो कि यार, एक मुझे ना आज से 5 साल बाद में 50,000 चाहिए मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए, और आज मेरे पास में पैसा है तो मैं किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ. ठीक है, आगे, यू कैन इम्यूनाइज योर बॉन्ड पोर्टफोलियो बाय सिलेक्टिंग बॉन्ड्स. आप इस तरह से बॉन्ड्स को सिलेक्शन करो दैट विल इक्वल एग्जैक्टली 50,000 इन 5 years रिगार्डलेस ऑफ द इंटरेस्ट रेट चेंजेस. इंटरेस्ट रेट आज कुछ भी हो और वो आगे कितना भी चेंज हो, आप इस तरह से बॉन्ड को बना सकते हो कि आपको 5 साल बाद में 50,000 मिले. क्योंकि अगर आप वो चीज़ ध्यान नहीं दे के कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दोगे और यील्ड बदल गए बाद में, तो आपको नुकसान होगा सर.
कि अगर यील्ड ऊपर नीचे हुए तो आपको फिर नुकसान होगा. सो इसके तीन ऑप्शन देता हूँ मैं आपको. अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे बेहतरीन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है जीरो कूपन बॉन्ड खरीदना. जीरो कूपन बॉन्ड आपको बीच में कुछ भी नहीं देता. आज जीरो कूपन बॉन्ड आपको 40,000 का मिलेगा और आज से 5 साल बाद आपको सीधा 50,000 मिलेंगे. बीच में आपको कुछ भी नहीं मिलता. जीरो कूपन बॉन्ड एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इम्यूनाइज्ड बॉन्ड का. इम्यूनाइज्ड बॉन्ड के एग्जाम्पल में बहुत ही एक अच्छा आपका एग्जाम्पल ही बोल सकते हो है. सो यू कैन बाय वन जीरो कूपन बॉन्ड दैट विल मैच्योर इन 5 ईयर्स विच इज इक्वल टू 50,000, जिसकी फेस वैल्यू 50,000 होगी. और क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड है तो आज सस्ते में मिल रहा होगा, लेट से वो 40,000 में मिल रहा. नहीं कोई बात नहीं, जीरो कूपन बॉन्ड है तो बहुत अच्छी बात. नहीं भी अगर है तो सेवरल कूपन बॉन्ड्स ईच विद अ 5 ईयर ड्यूरेशन. आप एक काम करो, आप पहला तो ऑप्शन जीरो कूपन बॉन्ड है इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो. नहीं तो आप एक काम करो, ए बी सी और डी तीनों में इन्वेस्टमेंट करो और तीनों की फेस वैल्यू 10,000 होनी चाहिए. सॉरी, चारों में इन्वेस्टमेंट करो और चारों की फेस वैल्यू $12,500 होनी चाहिए, या इतनी होनी चाहिए कि टोटल इसकी 50,000 आ रही हो और इनका ड्यूरेशन भी 5 साल हो. चारों का ड्यूरेशन 5 साल होना, ठीक है. या तो तीसरा ऑप्शन, सेवरल बॉन्ड्स दैट एवरेज अ 5 ईयर ड्यूरेशन. अब ऊपर वाले में और नीचे वाले में फर्क है. सेकंड वाला पार्ट था जिसमें हर एक बॉन्ड का ड्यूरेशन 5 साल आ रहा था, लेकिन तीसरे वाले में क्या है, एवरेज 5 साल आना चाहिए. तो तीसरा मान लो, वापस से मैं लेता हूँ, ए बी सी डी है, इसका ड्यूरेशन है 8, इसका है 6, इसका है मान लो 8, 6 और 3. ऐसा ड्यूरेशन. अब आप अगर लगाओगे तो इसमें 5 साल तो आते ही नहीं सर, लेकिन इन सब का एवरेज ड्यूरेशन 5 साल आना चाहिए. सो अगर आपने इक्वल इन्वेस्टमेंट किया है तो वेट कितना हो गया, 0.25. इक्वल इन्वेस्टमेंट अगर किया है तो ये आता है 2, 8 × 0.25, ये आता है सर 1.5, ये आएगा आपका 0.75, ये आएगा 0.75. तो एवरेज आता है आपका 5 साल. ख़त्म. ये वाला केस जो है, तीसरा वाला, ये हम इस्तेमाल करने वाले हैं आगे. इम्यूनाइज्ड बॉन्ड का ड्यूरेशन इज इक्वल टू वेटेड एवरेज, वेट मल्टीप्लाइड बाय ड्यूरेशन. दिस इज ड्यूरेशन, दिस इज वेट, वेट इनटू ड्यूरेशन, एवरेज 5 साल आ जाए. या तो सबका 5 साल हो, ठीक है, या तो फिर एवरेज 5 साल आ जाए, या तो जीरो कूपन. ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन होगा. जो आपको एग्जाम्पल देखेंगे हम, वो ये वाले देखेंगे जिसमें कैलकुलेशंस बढ़ जाते हैं. आगे देखो, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. ड्यूरेशन मेजर करता है बॉन्ड्स मार्केट रिस्क एंड प्राइस वोलेटिलिटी इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन चेंज इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है. ड्यूरेशन इज द वेटेड एवरेज ऑफ द बॉन्ड्स कैश फ्लोज ओवर इट्स लाइफ. ये तो आपने देखा था ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज ऑफ द ईयर्स. सो ये हमारा जो फॉर्मूला था मैकडी का, वो है वेट इनटू ईयर. सो ड्यूरेशन इज द वेटेड एवरेज ऑफ द बॉन्ड्स कैश फ्लोज ओवर इट्स लाइफ. द वेट्स आर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच इंटरेस्ट पेमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ द बॉन्ड्स फुल प्राइस. वेट हम कैसे कैलकुलेट करते थे, ये जो पूरा सेंटेंस है इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले में वेट कैसे कैलकुलेट करते थे. एक प्रेजेंट वैल्यू लेते थे डिवाइडेड बाय टोटल प्रेजेंट वैल्यू करते थे, फिर दूसरी लेते थे फिर डिवाइडेड बाय टोटल करते थे. तो इसी तरह से आप निकालते थे, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. इस तरह से वेट लेते थे, फिर उन सारे वेट को ईयर से मल्टीप्लाई करते थे तो ड्यूरेशन आता था. अब ध्यान देना, द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड, जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा बॉन्ड का, द ग्रेटर इट्स प्राइस वोलेटिलिटी. ड्यूरेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ अ बॉन्ड विल रिएक्ट. ड्यूरेशन का इस्तेमाल किया जाता है ये पता करने के लिए कि किस तरह से बॉन्ड रिएक्ट करेगा जब इंटरेस्ट रेट में बदलाव आएंगे.
फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है 1% से तो बॉन्ड की जो प्राइस है विद अ 2 ईयर ड्यूरेशन विल फॉल बाय 2% इन वैल्यू. सो 1% से अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 2 साल का बॉन्ड है, हमने 10-10% एस्टिमेट किया था लेकिन अब वो 11-11% हो गया, यानी 1-1% का नुकसान हुआ है, यानी कि टोटल 2% से बॉन्ड की प्राइस गिरेगी. ये एवरेज मीनिंग होता है, एग्जैक्ट नहीं आएगा इससे, एवरेज. चलो ठीक है, आगे देखते हैं. एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ बॉन्ड इम्यूनाइजेशन. अब हम सर बात करेंगे असली. मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, बाकी का चीज़ आप पढ़ लेना. ये टेबल मैंने स्टार्टिंग में आपको निकाल के दिया था कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो बॉन्ड की प्राइस डिक्रीज होगी और रीइन्वेस्टमेंट रेट जो है आपका वो इंक्रीज होगा, तो यहाँ फायदा होगा, यहाँ नुकसान होगा. सो हियर इट विल बी लॉस टू यू, हियर इट विल बी प्रॉफिट टू यू. और अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी बट जो कूपन रीइन्वेस्टमेंट करोगे वो रेट कम हो जाएगा, तो यहाँ आपको नुकसान होगा, यहाँ आपको प्रॉफिट होगा. समझा ना, ये बॉन्ड की प्राइस है और ये कूपन के लिए काम आता है, इन दोनों का मिला के ही आपके पास में कैश फ्लो आएगा जब भी आप बेचने जाओगे. सो ध्यान दो पहला वाला, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बुरी बात क्या है कि प्राइस की वैल्यू गिर गई. सो मीन्स द बैड पार्ट इज द डिक्रीज्ड बॉन्ड्स मार्केट प्राइस. बैड पार्ट इज द डिक्रीज्ड बॉन्ड्स मार्केट प्राइस एंड गुड पार्ट इज वी कैन री इन्वेस्ट द कूपन एट अ हायर रेट. बट अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाते हैं तो गुड पार्ट इज द इंक्रीज इन द बॉन्ड्स मार्केट प्राइस. मीन्स द गुड पार्ट इज द इंक्रीज्ड बॉन्ड्स मार्केट प्राइस एंड बैड पार्ट इज कूपन्स विल बी री इन्वेस्टेड एट अ लोअर रेट बिकॉज रेट गिर चुके हैं, तो कम रेट पे हम कूपन्स को री इन्वेस्ट करेंगे. ये तो चीज समझ में आई, अल्टीमेट मीनिंग. अ बॉन्ड इज इम्यूनाइज्ड व्हेन इट्स ड्यूरेशन इक्वल्स द इन्वेस्टर्स टाइम होराइजन. बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड को इम्यूनाइज्ड कहोगे जब उसका ड्यूरेशन जो आपने कैलकुलेट किया किसी भी पॉइंट पे दैट शुड बी इक्वल टू द इन्वेस्टर्स टाइम होराइजन. नाउ एट दिस पॉइंट एनी चेंजेस टू इंटरेस्ट रेट विल अफेक्ट बोथ प्राइस एंड री इन्वेस्टमेंट एट द सेम रेट. इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो तो 5% से अगर बॉन्ड की प्राइस बढ़ी तो 5% से री इन्वेस्टमेंट भी गिरेगा, तो दोनों तरफ प्रॉफिट जो है, इधर प्रॉफिट 50 का तो इधर लॉस 50 का आएगा और नेट इफेक्ट आपका जीरो आएगा. आगे देखो, कीपिंग द पोर्टफोलियोज रेट ऑफ रिटर्न सेम, क्योंकि पोर्टफोलियो का रेट ऑफ रिटर्न सेम कब रहेगा, जब मेरे को कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट लॉस नहीं होगा. मेंटेनिंग एन इम्यूनाइज्ड पोर्टफोलियो मीन्स रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियोज एवरेज ड्यूरेशन एवरी टाइम द इंटरेस्ट रेट चेंज. अब आप एक चीज दिमाग से निकाल दो, एक चीज दिमाग से ये निकाल दो कि सर इस क्वेश्चन में अगर ड्यूरेशन 5 था तो अब हमको इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है कि अगर हमारा 5 साल का होराइजन है तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है कि ड्यूरेशन 5 हो. आप जब जब इंटरेस्ट रेट बदलेंगे तब तब आपको वापस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ खरीद के कुछ बेचना पड़ेगा कि ड्यूरेशन और आपका टाइम होराइजन मैच कर जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जैसे ही बदला वैसे बॉन्ड का ड्यूरेशन भी बदलता है. ध्यान देना, इंटरेस्ट रेट जैसे ही आप बदलोगे बॉन्ड का ड्यूरेशन भी बदलता है. 5 था उसी पॉइंट पे, अगर इंटरेस्ट रेट आप बदल दो 11% कर दो तो ड्यूरेशन देखो 4.95 हो गया. यहाँ पे देखो 4.5 था, यहाँ 4.47 हो गया. मान लो 1 साल खत्म हो गया, 10% ही रेट चल रहा था लेकिन अब 11 हो गए, तो ये देखो ये रेट जो ड्यूरेशन था ये ड्यूरेशन बदल जाता है YTM से, और ड्यूरेशन हमको सेम रखना है जो हमारी मैच्योरिटी का है. आई क्या बात समझ में? इतना सारा है दिमाग में रखने लायक, सिर्फ ये एक पैराग्राफ जो आपको पूरा बॉन्ड इम्यूनाइजेशन एक्सप्लेन करेगा, बाकी कुछ भी दिमाग रखने में रखने की जरूरत नहीं. यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लो, वो जो टेबल हमने देखा उसके रिगार्डिंग ध्यान देना. 5 years इज द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड एट टाइम T0, सही लिखा है यहाँ पे, आप बस क्रॉस चेक करो, ये सही लिखा है ना कि ड्यूरेशन टाइम जीरो पे कितना है, 5 साल. एट ईयर 5 वेदर वाई गोज अप टू 11% और डाउन टू 9%.
our portfolio value suffers only a minor change in the value, 0.50 paisa yaar, matlab 50 paisa yaar, na ke barabar. At time zero, if we set the duration equal to the target date, jo bhi hamari target date hai, jis din hamari liability hai, utna hi agar hum time zero pe duration set kare. So example, a point at which we must fund someone some known obligation, example 2026 rupees aapko 5 saal mein kisi ko chukane honge. And if we set the bond's future value at the target date equal to the amount of the obligation. 5 saal baad hum is tarah se bond ke value set kare ki aaj se 5 saal baad wo bond ki value kitni ho jaye, 2026. Kyun 2026 ho jaye? Kyunki humko 2026 rupees kisi ko chukane hain 5 saal baad. तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, तब जाके वो 5 साल बाद 2026 होंगे. एक हाथ से लोगे, एक हाथ से चुका देना, ठीक है. लेकिन याद रहे ड्यूरेशन आपका सेम रहे, ताकि यील्ड में आगे जब बदलाव आएंगे तो आपके पोर्टफोलियो पे नुकसान नहीं होगा आपको, ठीक है. दैट इज द बॉन्ड्स करंट वैल्यू इक्वल टू द करंट वैल्यू ऑफ द ऑब्लिगेशन, ठीक है. देन वी आर नॉट ग्रेटली अफेक्टेड बाय चेंजेस इन वाई. Then we are not greatly affected by changes in Y. Y मतलब yield. फिर कुछ भी हो जाए सर, आपको फर्क नहीं पड़ेगा. आगे, in general, as long as target date is equal to duration and current value of assets is equal to current value of liabilities, we are said to be immunized. दो चीजें आपको ensure करनी है कि जो भी आपका target date है, जिस दिन आपको liability चुकानी है, उतना ही आपका duration आना चाहिए bond का. उसके बाद जितना आपका liability है फ्यूचर में, उतना ही आपकी असेट होनी चाहिए कि जो बॉन्ड से मिलने वाली है आपको आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू. सो वी आर सेट टू बी इम्यूनाइज्ड. तो तीन चार चीजें आपको ध्यान रखनी है, टारगेट डेट, टारगेट पीरियड, जो भी होगा. टारगेट पीरियड मतलब इन्वेस्टर का होराइजन. शुड बी इक्वल टू ड्यूरेशन. उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी. 5 साल बाद में 2026 किसी को चुकाना है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू और बॉन्ड्स की प्रेजेंट वैल्यू सेम होनी चाहिए. और बॉन्ड का जो पोर्टफोलियो ड्यूरेशन है कैसे निकालोगे, वेटेड एवरेज आपने निकाला ना यहाँ पे, ये देखो आपने पोर्टफोलियो ड्यूरेशन कैसे निकाला था, मैं बताता हूँ आपको. ये देखो पोर्टफोलियो के अंदर कितनी सिक्योरिटी थी, 4. उन सबका ड्यूरेशन कितना था, ये. उसके बाद हमने पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टमेंट किया था वो कितना वेट था, ये. तो वेट इनटू ड्यूरेशन और फिर टोटल किया तो ये क्या आया सर, पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन, डीपी में बोलता हूँ ये 5 साल. तो पोर्टफोलियो ड्यूरेशन आपने कैसे निकाला, समेशन ऑफ वेट आई इनटू ड्यूरेशन आई. हर बॉन्ड का वेट, हर बॉन्ड का ड्यूरेशन मल्टीप्लाई कर दो एंड दैट शुड बी इक्वल टू दिस. तो जनरली आप क्या करेंगे कि अगर आपका टाइम होराइजन लेट से 5 साल का है तो आप यहाँ पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन 5 रखेंगे और फिर आगे सारा एडजस्ट करेंगे वेट इनटू डीआई करके, ठीक है. ये है सर पूरा का पूरा इम्यूनाइजेशन. यहाँ तक मैं रुकता हूँ, अगले वाले लेक्चर में हम, या फिर हम एक काम करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं. आप बस मेरे को 5 मिनट का समय दो, 5 मिनट में मैं आप पानी वानी पी के आता हूँ और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बॉन्ड सॉरी इम्यूनाइजेशन पे.
आइए सर आगे बढ़ते हैं. अब हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हैं जो कि इम्यूनाइजेशन पे हमको सॉल्व करना है. ये क्वेश्चंस आप करके आपको एक आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली द बॉन्ड इम्यूनाइजेशन. इतने सारे कॉन्सेप्ट में जो भी आपने पढ़ा, सिर्फ एक चीज़ याद रखो, बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का मतलब ड्यूरेशन जो है आपका, दैट शुड बी इक्वल टू द इन्वेस्टर्स टाइम होराइजन. आओ सो क्वेश्चन नंबर 62 तक हमारा पहले हो चुका था और 63 से अब हमको करना है. सिक्सटी वन होमवर्क था कल, जो लास्ट टाइम जो मैंने करवाया था वो खुद ही क्वेश्चन नंबर 62 था और अब हम करेंगे सर 63. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझो पहले तो अच्छे से उसको. द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर थ्री बॉन्ड्स. तीन बॉन्ड आपको दिए हैं, ए बी और सी. दीज बॉन्ड्स आर यूज्ड बाय अ बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजर. एक पोर्टफोलियो मैनेजर है जो कि जिसने कि तीनों बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है. टू फंड एन आउटफ्लो शेड्यूल्ड इन 6 ईयर्स. अब आपके पास में होगी बुक, तो बुक में आप लिखो पहले तो, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करूंगा तीन चीजें. यहां पे लिखो मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर हैज लायबिलिटी आफ्टर 6 ईयर्स या एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स. टू मीट दैट लायबिलिटी ही हैज invested in a portfolio of 3 bonds. The amount invested amount is invested in such a manner amount is invested in such a manner सो पोर्टफोलियो मैनेजर हैज लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स. टू मीट दैट लाइबिलिटी ही हैज इन्वेस्टेड इन अ पोर्टफोलियो ऑफ 3 बॉन्ड्स. द अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन सच अ मैनर दैट आफ्टर 6 ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल ग्रो एंड बी इक्वल टू द लाइबिलिटी. आपको ये चीज़ समझ में आई ना कि 6 साल बाद, आज मेरे पास में बहुत पैसा पड़ा है लेकिन आज जरूरत नहीं है, 6 साल बाद मुझे किसी को देना है. अब 6 साल बाद मुझे जितना भी अमाउंट देना होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मैंने आज इन्वेस्ट की, ताकि 6 साल बाद, लेट से वो 10 लाख रुपए देने हैं मुझे 6 साल बाद, तो मैंने 10 लाख के प्रेजेंट वैल्यू आई है 7 लाख. 7 लाख रुपए आज इन्वेस्ट किए तीनों बॉन्ड में मिला के, वो 7 लाख रुपए ठीक 6 साल बाद 10 लाख बन जाएंगे. तो बॉन्ड बेच के मैं 10 लाख ले लूंगा और ये 10 लाख रुपए से लाइबिलिटी चुका दूंगा. तो 6 साल बाद किसी भी कीमत पे मुझे 10 लाख चाहिए इन बॉन्ड से.
लाइबिलिटी बदलने वाली नहीं है, जो 10 लाख रुपए आपको देने हैं वो बदलने वाली नहीं है 6 साल में, लेकिन अगर यील्ड ऊपर नीचे हो गया सर, तो ये जो 10 लाख आने वाले हैं आपके हिसाब से वो बदल जाएंगे, या तो ज़्यादा आएंगे या तो कम आएंगे, और आपको रिस्क नहीं चाहिए। 10 लाख बोले तो 10 लाख मिल जाना चाहिए मुझे ताकि मैं चुका दूँ। तो आपको इस बॉन्ड को बना तो लिया, कार खरीद तो ली, इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है, तो बॉन्ड को इम्यूनाइज करना ज़रूरी है। कार के इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम देते हो, तो बॉन्ड का इम्यूनाइजेशन कराने के लिए उसका ड्यूरेशन आपको आपके टाइम होराइजन के बराबर करना पड़ेगा। ध्यान दो आगे। अब ये जो चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ ये सिर्फ आपके लिए ही है सर, ठीक है, एग्ज़ाम में नहीं लिखना, दिस इज़ नॉट फॉर एग्ज़ाम। टीचर्स नोट, नॉट फॉर एग्जाम, ठीक है। आगे देखो, करंट यील्ड इज 9%, अभी जो यील्ड चल रही है 9%, और अगर 9% चलती रहे ना 6 साल तक गारंटीड, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है इम्यूनाइजेशन कराने की। लेकिन आपको लगता है क्या कि यील्ड सेम रहेगी आने वाले टाइम में? नहीं, यील्ड हमेशा बदलती रहेगी, इसलिए इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत होती है। कार खरीदने के बाद में अगर सर कभी एक्सीडेंट होता ही नहीं, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं थी इंश्योरेंस कंपनीज को अपना धंधा खोल के बैठने की। लेकिन कोई रोक सकता है क्या? एक्सीडेंट नहीं होगा इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं। वैसे ही यील्ड चेंज नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ध्यान देंगे आगे, इसलिए इसका भी इम्यूनाइजेशन कराना ज़रूरी है। ऑल बॉन्ड्स हैव अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच एंड विल बी रिडीम्ड एट पार, ये ज़रूरी है। इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली, आपको 3 बॉन्ड दिए हैं, तीनों की मेच्योरिटी दी है और तीनों का कूपन रेट दिया हुआ है, ठीक है। आपको सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है वो है ड्यूरेशन ऑफ ईच बॉन्ड, हर बॉन्ड का ड्यूरेशन निकालो, 10% 11% और 9%, हर बॉन्ड का ड्यूरेशन निकालना है सर आपको। सबसे पहले हम वही चीज कैलकुलेट करेंगे, अब आपके पास में सर दो रास्ते हैं, एक तो आप वो टेबल वाला फॉर्मेट यूज करो, टेबल वाला फॉर्मेट यूज़ करोगे और पूरा निकालोगे, मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगा, क्यों दोनों? अब मैंने तो आपको सजेस्ट किया था टेबल फॉर्मेट, वो जो स्टार्टिंग का समेशन ऑफ वेट इनटू ईयर, बट बाकी भी फॉर्मूलेस थे ड्यूरेशन के, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्मार्ट थोड़ा सा खेलूँगा, क्योंकि मेरे को एग्ज़ाम में टाइम बचाना है, मुझे पता है कि यार 10 साल की मेच्योरिटी के लिए मुझे 10 बार कैश फ्लोज लिखने पड़ेंगे, 10 बार वेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद 10 बार वेट इनटू ईयर भी करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ 8 बार करना पड़ेगा, यहाँ 5 बार करना पड़ेगा, कितनी रोज़ हो रही है, 10 और 8, 18 और 5, 23, 23 टाइम्स कूपन लिखो, 23 टाइम्स प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखो, 23 टाइम्स आपकी प्रेजेंट वैल्यू लिखो, 23 टाइम्स वेट लिखो, 23 टाइम्स वेट इनटू ईयर करो और फिर टोटल करो, इससे अच्छा फॉर्मूला रख लो, फॉर्मूले से आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा और बहुत सारे कैलकुलेशन बच जाएंगे। तो थोड़ा सा वो हिसाब से आपको रटना भी पड़ेगा सर। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब सर आपने कैसे याद किया? आपने भी रटा होगा? नहीं, मैंने सर रटा नहीं है, बार बार क्वेश्चन सॉल्व कर करके अपने आप याद हो गया, अलग से बैठ के रटना नहीं पड़ता। जैसे हम पूजा करते हैं ना, 15 बार ये बोलना, 16 बार ये बोलना, वैसे ये 15-16 बार या 10 बार बोलने से याद नहीं होता सर। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, मतलब इसमें भी आपको दिमाग में लग रखना पड़ता है कि कहाँ क्या आ रहा है, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ए कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे, 1.09 डिवाइडेड बाई 0.09। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ रहा मालूम है क्या? कूपन रेट का और मेच्योरिटी का फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। -1.09 प्लस 10 साल की मेच्योरिटी है, कूपन रेट है 10%, YTM 9 डिवाइडेड बाई कूपन 10%, 1.09 टू द पावर 10। अच्छा, इसमें मेच्योरिटी और कूपन दोनों सेम है, -1 प्लस
0.09, ठीक है, तो ये एक चीज़ मेरी कंफर्म हो गई अगली बार से, 1.09 डिवाइड बाय 0.09 दैट्स 12.11 माइनस 0.01 इंटू 10 प्लस 1.09 दैट्स 1.19 डिनोमिनेटर में, 1.09 टू द पावर 10 माइनस 1 इंटू 0.10 प्लस 0.09 सो दैट्स 0.2267 फाइनल आंसर. Years ड्यूरेशन ए. सोचो आप वैसे कैलकुलेशन करते दिन भर आपको करना पड़ता, तो अगर फॉर्मूला याद रख सकते हो तो सबसे बेस्ट है ये, तो नहीं तो फिर लॉजिकली वैसे जाओ. ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बी, ठीक है, 12.11 तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ डायरेक्टली, माइनस 1.09 प्लस, इसमें टाइम है 8 साल, अंदर में है कूपन 11 और यील्ड YTM 9, इसमें 8 साल नहीं कूपन लेना है ना, 11 टू द पावर 8 माइनस 1 प्लस 0.09 न्यूमरेटर आएगा 1.25 आएगा 0.20 तो यह आता है सर 5.86 ईयर्स. एक बार मैं फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि कहीं कुछ गलत ना रह गया हो. 8 साल था, 11 9 कूपन, ठीक है कूपन नीचे लिया, सो 0.11 माइनस 0.09 इंटू 8 प्लस 1.09 दैट्स, अच्छा 0.02 इंटू 8 प्लस 0.09 दैट्स 1.25, ठीक है सही है. अब तीसरा बॉन्ड का ड्यूरेशन 12.11 माइनस 1.09 प्लस कितना है इसका मैच्योरिटी, 5 साल और 9% ना, तो ये तो जीरो ही हो गया. न्यूमरेटर 1.09 ही आएगा, बाकी का जीरो हो गया. पॉइंट 1385 सो दिस इज 14.24 ये तीनों बॉन्ड के आपके ड्यूरेशन आ गए, ठीक है. अब आगे देखो, अब आएगा इम्यूनाइजेशन वाला पार्ट आपका. द बॉन्ड का जो पोर्टफोलियो मैनेजर हैज बीन आस्क्ड टू कीप 45% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो मनी. जितना भी पैसा आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसका 45% आपको कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, ए में इन्वेस्टमेंट करना है. अब आपके पास इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बचा है सिर्फ 55%, ठीक है. कैलकुलेट करो द परसेंटेज अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड बी एंड सी, बॉन्ड बी एंड सी दैट नीड टू बी परचेज्ड टू इम्यूनाइज द पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो इम्यूनाइज करने के लिए आपको यह बताना है
कि कितना परसेंट अब मैंने बी में डालना चाहिए और कितना परसेंट सी में डालना चाहिए। 55 बाकी है, या तो हो सकता है 30 या 25 आए, या ऐसे ही कोई रेशो आएगा, लेकिन आपको रेशो ऐसे अपने मन से नहीं निकालना, इस तरीके से निकालना है कि बॉन्ड इम्यूनाइज हो जाए। अब यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, बीइंग आपका ये पहला एग्जांपल है, तो वेट्स निकालने हैं ऑफ बी एंड सी, ध्यान देना, इन ऑर्डर टू कीप द बॉन्ड पोर्टफोलियो इम्यूनाइज्ड। ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टर्स होराइजन। विच इज 6 years। सॉरी मैंने गलत बोला, 6 years नहीं है इस केस में, 5 साल आई थिंक, हाँ 6 साल है, सॉरी। ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी 6 years। एक सेकेंड, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो सपोर्ट देना अब जरूरी हो गया। इसका कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया कि ड्यूरेशन जो है पोर्टफोलियो का वो कितना होना चाहिए? सर 6 साल का होना चाहिए। एंड पोर्टफोलियो ड्यूरेशन कैसे निकालते हो? समेशन ऑफ वेट आई इंटू डी आई इज इक्वल टू 6 years। ठीक है, अब इस पोर्टफोलियो में 3 बॉन्ड है आपके पास में, तो वेट ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी ड्यूरेशन ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी ड्यूरेशन ऑफ सी शुड बी इक्वल टू 6, राइट। अब आपको 2-3 चीजें तो पता है, वेट है ए का 0.45, 45% ए में डालना है, ड्यूरेशन भी ए का आपको पता है वो है 6.86। आपको बी का वेट नहीं पता, लेकिन बी का ड्यूरेशन जरूर पता है, वो है सर 5.86। आपको वेट सी का नहीं पता, लेकिन सी का ड्यूरेशन पता है 4.24 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं इसको। वेट ऑफ बी वी नो दैट, वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी शुड बी इक्वल टू 1। टोटल वेट कितना आना चाहिए तीनों का? 1। वेट ऑफ बी 0.45 प्लस वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी शुड बी इक्वल टू 1। सो देयरफॉर मैं ये लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.45, दैट्स 0.55 माइनस वेट ऑफ बी, राइट। द वेट ऑफ सी क्या आया? 0.55 माइनस वेट ऑफ बी। तो अब मैं ये चीज रखूंगा ऊपर वाले इक्वेशन में। अब देखो कैसा आंसर आता है, 0.45 इंटू 6.86, दैट्स 3.0,
3.087 प्लस 5.86 वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी में मैं ये फिगर रख दूँ तो आंसर आएगा 4.24 इन ब्रैकेट 4.24 इन ब्रैकेट 0.55 माइनस वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 6. अब ये 3.087 उधर चला जाएगा और ये जो 4.24 मल्टीप्लाइड बाय 0.55 है वो भी उधर चला जाएगा, तो बचेगा क्या सर, 5.86 वेट ऑफ बी माइनस 4.24 वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 6 माइनस 3.087 माइनस 4.24 मल्टीप्लाइड बाय 0.55 दैट्स 2.332. ठीक है, तो ये आ गया 0.581, ये आ गया 1.62 वेट ऑफ बी. सो वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 0.3586 दैट इज 35.86%. आगे वेट ऑफ सी इज इक्वल टू 0.55 माइनस वेट ऑफ बी, सो वेट ऑफ सी इज इक्वल टू 0.55 माइनस 0.3586. सही कर रहा हूँ. वेट ऑफ सी दैट इज 19.14%. खत्म. इन ऑर्डर टू कीप द बॉन्ड, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं आखिरी में, वेट्स ऑफ इम्यूनाइज्ड बॉन्ड इन एन इम्यूनाइज्ड पोर्टफोलियो, बॉन्ड वेट ए बी सी तीन बॉन्ड है, इसमें 45% तो पहले से ही सिलेक्ट हो गया था. ठीक है, उसके बाद 35.86% और 19.14%. ये है आपका आंसर. कैसे कैलकुलेट किया, कहाँ से कहाँ तक पहुँचे. आपने सबसे पहले निकाला सर कि आपको इम्यूनाइजेशन करना है तो टाइम होराइजन और ड्यूरेशन सेम होना चाहिए. टाइम होराइजन 6 है तो ड्यूरेशन भी 6 निकालना पड़ेगा. और ड्यूरेशन 6 कैसा आएगा बॉन्ड का, एक एक का जो ड्यूरेशन दिया उसका वेटेड एवरेज 6 आना चाहिए. तो हमने वैसे कैलकुलेशन किया. अब आपको समझ में आया, आगे बढ़े. सेकंड पार्ट आई होप आपको समझ में आया हो. अब तीसरा पार्ट देखते हैं इसका, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, दो और बाकी है. ध्यान देना. आफ्टर द पोर्टफोलियो हैज़ बिन फॉर्मुलेटेड, अब आपने क्या किया, इम्यूनाइज्ड होना था पोर्टफोलियो और उसके हिसाब से आपने क्या किया, उतना ही परसेंटेज इन्वेस्टमेंट कर दिया बॉन्ड ए में, बॉन्ड बी में, बॉन्ड सी में, जितना कि हमने अभी देखा. अब एन इंटरेस्ट रेट चेंज अकर्स, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट में बदलाव आया. आप एक चीज को याद रखो, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इस चीज़ को अंडरलाइन करना. यहाँ पे लिखो रेफर, क्या रेफर करना है जब भी इंटरेस्ट रेट में बदलाव आते, क्या रेफर करना है. मेंटेनिंग एन इम्यूनाइज्ड पोर्टफोलियो मींस रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियोज एवरेज ड्यूरेशन एवरी टाइम इंटरेस्ट रेट चेंजेस, इसलिए अंडरलाइन करवाया हुआ है. सो आपको क्या मेंशन करना है, पेज नंबर 92 या 51 पे है. आपके इसमें थोड़ा अलग पेज नंबर हो सकता है क्योंकि मैं आपको अपडेट करके दूंगा नोट, तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है एक दो पेजेस, तो मैं यहाँ 51 लिख रहा हूँ. आपके नोट्स में जो भी पेज होगा
इस वाले पार्ट का, ये कहाँ से आया ध्यान देना, ये क्वेश्चन नंबर 34 था अपना, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ बॉन्ड इम्यूनाइजेशन। सो क्वेश्चन नंबर 35 में चौथा पैराग्राफ है, वो रेफर करने का है। चौथा पैराग्राफ ले लो, फोर्थ पैरा। इसका मतलब क्या, जब भी इंटरेस्ट रेट में बदलाव आएंगे आपको फिर से वो प्रोसीजर दोहरानी पड़ेगी ताकि आपका ड्यूरेशन 6 आ जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब बदलता है तो ड्यूरेशन अपने आप बदल जाता है। तो हमने जो इंटरेस्ट रेट लिया था वो था 9% और उस पर जो ड्यूरेशन निकाला था वो था 6। अब इंटरेस्ट रेट बदल गया तो ड्यूरेशन भी बदल गया होगा, हमें तो अभी भी 6 साल बाद पैसे चुकाने हैं तो अभी भी ड्यूरेशन आपका 6 आना चाहिए अगर उसी टाइम पे रेट बदला है तो। एक साल बाद अगर रेट बदला है तो ड्यूरेशन अब 5 आना चाहिए, कम हो गया ना एक साल। ओके, इंक्रीजिंग द यील्ड टू 11%, अब कितना हो गया यील्ड, 9 का 11% हो गया। द न्यू ड्यूरेशन ऑफ दिस बॉन्ड, अब 11% पे फिर से मैं ड्यूरेशन निकालूं क्या 3 और फिर से सारा कैलकुलेशन करूं? नहीं सर, क्वेश्चन ने खुद ही तीनों ड्यूरेशन निकाल के दे दिए। सो 11% पे अगर आप तीनों ड्यूरेशन वापस निकालते हैं तो ए बी और सी का ये ड्यूरेशन आता है। सही है गलत है छोड़ दो, निकालने के पीछे भी मत जाओ, जो दिया है वो लेना पड़ेगा एग्जाम में। तो ये तीन ड्यूरेशन आपके आ गए, यानी कि नए यील्ड पे ये कैलकुलेशन हो गया आपका ए वाला। अब दूसरा आगे देखो, इज द पोर्टफोलियो स्टिल यू इम्यूनाइज्ड, अभी भी क्या पोर्टफोलियो इम्यूनाइज्ड है, वाई और वाई नॉट, क्वेश्चन का ये आंसर भी करना है आपको। सो ध्यान दो, चेंज इन इंटरेस्ट रेट ठीक है, न्यू ड्यूरेशन निकालना है आपको, कैसे निकालोगे, सेम प्रोसीजर, समेशन ऑफ वेट आई डी आई, तो वेट ए डी ए प्लस वेट बी डी बी प्लस वेट सी डी सी। नया ड्यूरेशन ले रहा हूं मैं, 4.271914 नया ड्यूरेशन जो आपका आता है। दो डिजिट में रोक सकते हो आप या फिर एक साथ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, एम प्लस लेके तो आपका जो नया आता है अगर मैं उसको राउंड ऑफ करूँ तो 6.197 है, उसको मैं राउंड ऑफ करूँगा तो एक सेकेंड,
सॉरी ध्यान दो, तो वो आंसर हमारा आ रहा था 6.20 ईयर्स। एज द बॉन्ड्स ड्यूरेशन, ध्यान देना, ऑफ 6.20 इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टर्स होराइजन ऑफ 6 बॉन्ड इज नो मोर इम्यूनाइज्ड। आई के बाद समझ में, बिकॉज बॉन्ड को इम्यूनाइज्ड रहने के लिए ये बॉन्ड का ड्यूरेशन और इन्वेस्टर का टाइम होराइजन सेम होना, यानी कि 6 होना चाहिए था लेकिन 6.20 हो गया अब ड्यूरेशन। और हमने पढ़ा था कि अगर इंटरेस्ट रेट बदलते हैं तो सर ड्यूरेशन बदलेगा और आपको फिर से रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी, फिर से वेट्स अब बदलने पड़ेंगे, कुछ बॉन्ड बेच दो कुछ खरीद लो। अब आपका ये जो रेशो था ना, अब आपका हो सकता है कि ये 35% थोड़ा सा गिर जाए और बाकी का इन्वेस्टमेंट सी में चला जाए, या सी में आपका गिर जाए और बाकी का बी में चला जाए, तो बी और सी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगे क्योंकि ए को वो बोलते हैं 45% ही रखना है। तो क्वेश्चन सी में सिर्फ इतना ही पूछ रहा था कि क्या बॉन्ड अभी भी इम्यूनाइज्ड है, नहीं है। उसका रीजन क्या, कि ड्यूरेशन और इन्वेस्टर का टाइम होराइजन मैच नहीं कर रहा। अब लास्ट वाला पार्ट देखो, अरे रे इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट वाले फैक्टर दिए। ये प्रेजेंट वाले फैक्टर क्यों दिए पता है, आपको टेबल फॉर्मेट में ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए, अदरवाइज तो कहीं काम नहीं आए। डिटरमाइन द न्यू परसेंटेज ऑफ बी एंड सी, आपने इसके पहले भी सेकंड वाले पार्ट में बी और सी के परसेंटेज निकाले, फिर से निकालो, दैट आर नीडेड टू इम्यूनाइज द पोर्टफोलियो बॉन्ड ए रिमेनिंग एट 45% ऑफ द पोर्टफोलियो। फिर से ठीक है सर, बॉन्ड पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 6, सो दैट इज समेशन ऑफ वेट आई इनटू डीआई शुड बी इक्वल टू 6, यानी कि वेट ऑफ ए डीए प्लस वेट ऑफ बी डीबी प्लस वेट ऑफ सी डीसी शुड बी इक्वल टू 6। ये तो आपको पता ही है 0.45, और इसका ड्यूरेशन अब नए वाले ड्यूरेशन लोगे आप, ध्यान देना नए वाले ड्यूरेशन क्या है, 7.15 प्लस 6.03 प्लस 4.27 इक्वल टू 6, ठीक है। ये वाला हिस्सा आप उधर ले जाके माइनस कर दो अभी के अभी, और इधर में क्या हो जाएगा ध्यान देना, 6.03 वेट ऑफ बी प्लस 4.27 इन ब्रैकेट 0.55 माइनस वेट ऑफ बी, यही लिया था ऊपर में अगर आपको याद होगा तो, 0.55 माइनस वेट ऑफ बी। क्यों 0.55 लिया, क्योंकि 45 तो इधर आ गया, बाकी का 55 ही बचा है, इक्वल टू 6 माइनस 2.7825, ठीक है। 6.03 वेट ऑफ बी माइनस 4.27 वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 2.7825 माइनस 4.27 इंटू 0.55 दैट्स 2.3485, सो so, 1.76 वेट ऑफ बी इज इक्वल टू
0.434. So weight of B is equal to 0.2466. ठीक है, ये आ गया नया परसेंटेज. पहले 35% था, 35, अब वो 24-25 पे आ गया. यानी कि अब बॉन्ड बी में से पैसा निकालना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, और बॉन्ड सी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो बॉन्ड सी हम बाय करेंगे. वेट ऑफ सी इज इक्वल टू 0.55 माइनस वेट ऑफ बी, 0.55 माइनस 2466, 0.3034, 30.34%. So new weights immunized bond portfolio के नए weights हैं A, B, C. इसमें 45%, इसमें 24.66% और इसमें 30.34%. एक चीज़ आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, वो मैं आपको अलग से सॉल्व करा रहा हूँ. एक्शन रिक्वायर्ड, सेल बॉन्ड बी एंड बाय बॉन्ड सी. एक्शन क्या करोगे, रीबैलेंसिंग करना है टू द एक्सटेंट ऑफ कोई भी दो का परसेंटेज निकाल लो, दोनों का परसेंटेज सेम ही आएगा. जैसे पहले था आपका परसेंटेज बॉन्ड बी का 35.86, अब है 24.66, तो डिफरेंस आया 11.2%. या इसका है 19.14 और अब है 30.34, तो अभी भी आया 11.2%. 11.2% का आप पोर्टफोलियो, 11.20% ऑफ पोर्टफोलियो वैल्यू, जो भी पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी, मान लो 10 लाख, 10 लाख का 11.20% बॉन्ड बी में से बेच दो और बॉन्ड सी में इन्वेस्ट करो. तो ये एक्शन लेना है. तो जैसे ही आप ये चीज़ करोगे मार्केट में, यहाँ से बेच के इसमें खरीदोगे, आपको और कुछ नहीं करना. ये तो कैलकुलेशन बुक में ही करेंगे हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी, लेकिन रियल में जो मार्केट में एक्शन लेंगे वो ये है कि बॉन्ड बी बेचेंगे, बॉन्ड बी और सी खरीदेंगे. कितना, 11.20%. किसका, पोर्टफोलियो के वैल्यू का 11.20% आप बेच, बी का बेच दो, सी में इन्वेस्ट कर दो. अपने आप ड्यूरेशन आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि वेट बदल गए और नए वेट्स ये होंगे और ये वेट्स के हिसाब से ड्यूरेशन 6 आएगा पूरे पोर्टफोलियो का. दिस इज हाउ द इम्यूनाइजेशन वर्क. और कहानी यहाँ पे रुकती नहीं है. अब अगर 9 का 11 हुआ, 11 से फिर से अगर यील्ड बदल गया, तो फिर हम वापस से ये कहानी रिपीट करेंगे. तो जो रीबैलेंसिंग की प्रोसेस है, कुछ कुछ खरीद के कुछ बेचना, कुछ खरीद के कुछ बेचना, ये जारी रहेगी, ये शुरू रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती सर. अगर आपको इंश्योर करना है कि 6 साल के एंड में आपके पास उतना पैसा हो जितनी आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है, तो आप 2 मिनट का टाइम दो और अब फिर हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स हैव वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64. ध्यान देंगे, मैं पढ़ रहा हूँ. आप हो सके तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, पॉज करके आप थोड़ा पानी वानी पी के आ जाओ, थोड़ा मज़े करके आ जाओ, क्योंकि माइंड में पुराना क्वेश्चन निकाल दो, आगे नए क्वेश्चन को नए तरीके से देखो, ठीक है. फर्म एक्स वाई जेड इज रिक्वायर्ड टू मेक अ 5 मिलियन पेमेंट इन 1 ईयर. एक साल में कितना पेमेंट करना है, 5 मिलियन का, और 4 मिलियन पेमेंट इन 3 ईयर्स. टोटल पेमेंट कितना करना है, देखो, आज से ठीक 1 साल बाद 5 मिलियन का पेमेंट करना है, और आज से ठीक
तीन साल बाद 4 million का पेमेंट करना है. द यील्ड कर्व इज फ्लैट एट 10% APR. अंडरलाइन करो APR. अब आपको पता नहीं होगा लेकिन ऐसा फुद्दू सा मीनिंग है इसका. APR नीचे लिखेंगे ये ऐसा APR लिख के. APR का फुल फॉर्म होता है एनुअल परसेंटेज रेट. एनुअल परसेंटेज रेट. सो एनुअल रेट है 10% बट पेमेंट जो होना है वो है सेमी एनुअल कंपाउंडिंग. ओके सो सेमी एनुअल कंपाउंडिंग होगी. फर्म एक्स वाई जेड वॉन्ट्स टू फॉर्म अ पोर्टफोलियो. देखो उनकी लाइबिलिटी तो हमको पता चल गई. आज से ठीक एक साल बाद उनको $5 million का पेमेंट करना है और आज से ठीक 3 साल बाद $4 million का पेमेंट करना है. लाइबिलिटी पता चल गई. 10% एनुअल परसेंटेज रेट है और सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है तो रेट हो गया 5%. ध्यान दो. फर्म एक्स वाई जेड वॉन्ट्स टू फॉर्म अ पोर्टफोलियो यूजिंग 1 year एंड 4 year US स्ट्रिप्स टू फंड द पेमेंट्स. स्ट्रिप्स यानी एक तरह के बॉन्ड्स. 1 साल के बॉन्ड में और 4 साल के बॉन्ड में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि आज से ठीक 1 साल बाद और 4 साल बाद सॉरी 3 साल बाद मुझे मेरे को जो लाइबिलिटी है वो मैं चुका सकूं. थोड़ा सा ध्यान देना, लाइबिलिटी 1 और 3 साल के बाद है और बॉन्ड जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी मेच्योरिटी 1 और 4 साल है. दूसरे बॉन्ड में फर्क आ रहा है. ओके. हाउ मच फॉर ईच स्ट्रिप मस्ट द पोर्टफोलियो कंटेन फॉर इट टू स्टिल बी एबल टू फंड द पेमेंट्स आफ्टर अ शिफ्ट इन द यील्ड कर्व. अब ये जो लास्ट लाइन है वो क्या बोलती है ध्यान देना. वो ये बोल रहा है कि सर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हर स्ट्रिप में, यानी हर बॉन्ड में हमने कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि यील्ड में भले ही चेंजेस आ जाए स्टिल बी एबल टू फंड द पेमेंट्स. यील्ड में भले ही चेंजेस आ जाए फिर भी मैं अपनी लायबिलिटी 1 साल और 3 साल बाद चुका पाऊंगा. 1 साल और 3 साल बाद में चुका पाऊंगा. एक सेकेंड ना. दो मिनट का टाइम दे दो बस, मैं थोड़ा सा आया.
एक्सट्रीमली सॉरी, ध्यान देंगे कहाँ पे था मेरे को एक बार थोड़ा सा वापस एक लाइन पढ़ने दो. हाउ मच ऑफ ईच स्ट्रिप मस्ट द पोर्टफोलियो कंटेन फॉर इट टू स्टिल बी एबल टू फंड द पेमेंट्स आफ्टर शिफ्ट इन द यील्ड कर्व. ध्यान दो. अब अगर आपसे हो सके तो इस क्वेश्चन के नीचे में कहीं पे तो लिखो, मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी में लिख लो, क्योंकि ये जो लास्ट लाइन है ये आपको कन्फ्यूज करेगी बाद में जब आप पढ़ोगे तो. कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए हर बॉन्ड में, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए हर बॉन्ड में. के यील्ड कर्व में कितना भी चेंज आ जाए, के यील्ड कर्व में कितना भी चेंज आ जाए, फिर भी मैं अपनी लायबिलिटी पूरी या लायबिलिटी को पे कर पाऊंगा. यील्ड कर्व में कितना भी चेंज आ जाए, यील्ड कर्व में कितना भी चेंज आ जाए, फिर भी मैं अपनी लायबिलिटी को पूरा कर पाऊंगा या लायबिलिटी का पूरा पेमेंट कर पाऊंगा. ऐसा लिखो, लायबिलिटी का पूरा पेमेंट कर पाऊंगा. यानी आपको ये बताना है सर कि यील्ड में कितना भी ऊपर नीचे चेंज आ जाए, मेरी जो लायबिलिटी है वो मैंने चुकानी है. लायबिलिटी आज से एक साल बाद है $5 मिलियन की और आज से 3 साल बाद है $4 मिलियन की. तो ध्यान देना एक चीज पहले तो, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 64. देखो आज से ठीक आपके 3 साल बाद लाइबिलिटी है 4 और 5, ठीक है, 4 मिलियन की यहाँ है, 5 मिलियन की, ठीक है. आज हमने कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो डिपेंड करता है कि हमारी लाइबिलिटी की करंट वैल्यू कितनी है. ये दोनों आपको बताएंगे कि आपकी लाइबिलिटी की करंट वैल्यू कितनी है. आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे हमने कहीं तो लिखा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द असेट्स शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी. तो आपकी जो भी लाइबिलिटी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, उतना ही हमने इन्वेस्टमेंट करना है आज पूरा मिला के. ठीक है, सो हम प्रेजेंट वैल्यू पहले निकालेंगे. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट्स शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज. सो 1 ईयर बॉन्ड, 1 ईयर बॉन्ड में आपकी 1 साल बाद जो लाइबिलिटी है वो है सर $5 मिलियन की, ठीक है. और डिस्काउंटिंग आपको जो करनी है वो क्या रेट से करोगे सर, 1.05 to the power 2. कैसे, ये 5 मिलियन पहले आधा साल इधर आएगा 5% से, फिर आधा साल और जाएगा 5% से. सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है तो आधा आधा साल का रेट लगेगा और दो बार पीछे आएगा 1 साल के अंदर में. तो ये आ गया 1.05 to the power 2. अगर एनुअल होती तो 1.10 to the power 1 लेते, ठीक है. तो इसका आंसर आएगा 4.535. 1 ईयर बॉन्ड नहीं, 1 ईयर लाइबिलिटी और 3 साल बाद जो लाइबिलिटी है आपकी वो है सर $4 मिलियन की. अब यहाँ लोगे 1.05, 1 साल था तो सेमी एनुअल 2 पीरियड आए,
तीन साल में सेमी एनुअल छह पीरियड आएंगे, टू पॉइंट नाइन एट फाइव, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी जो आपको चुकानी है, ध्यान देना आपको आज से एक साल बाद और तीन साल बाद जो आपको लाइबिलिटीज चुकानी है उसकी आज की वैल्यू कितनी आती है, 7.52 मिलियन, ठीक है, ये आपको चुकाना है, ठीक है सर, इतना तो आपको आ गया यहाँ पे कि इतना आपको चुकाना है। तो इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू है जो आपको आगे जाके चुकाना है उसकी आज की वैल्यू 7.52 है, यानी कि इतनी वैल्यू हमने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट्स इज ऑल्सो इक्वल टू 7.52 मिलियन, ये तो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, एक चीज़ तो कंप्लीट हो गई कि पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी, वो पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है सर आपको कि ए में कितना इन्वेस्ट करोगे और बी में कितना इन्वेस्ट करोगे, टोटल इन्वेस्टमेंट 7.52 आना चाहिए। तो अब अगर हमको ए का इन्वेस्टमेंट और बी का इन्वेस्टमेंट निकालना है, अगर हमको ए और बी का इन्वेस्टमेंट निकालना है तो हमको ए और बी का वेट निकालना पड़ेगा, उस वेट को अगर जब हम 7.52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन वेट निकालने के लिए आपको वेट ऐसा वैसा वेट नहीं निकालना, इम्यूनाइज्ड पोर्टफोलियो का वेट निकालना है ताकि आप अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट कर पाओ, और इम्यूनाइज्ड पोर्टफोलियो के लिए ड्यूरेशन शुड बी इक्वल टू द टाइम होराइजन। सो एवरेज ड्यूरेशन जो आएगा हमको, हमारी लाइबिलिटी एक और तीन साल बाद की है तो हमारा टाइम होराइजन जो है, सॉरी पहले हम टाइम होराइजन निकालेंगे, एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज इन्वेस्टर्स होराइजन कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल, एक साल की लाइबिलिटी जो है आपकी, यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी कहाँ गया, एक साल की जो लाइबिलिटी है उसमें आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 4.535 और टोटल है 7.52, यहीं से आपको वेट मिल जाएगा होराइजन का एवरेज निकालने के लिए। सो ध्यान देना, देखो आपका एक साल का होराइजन है क्या, नहीं सर, आपका तीन साल का होराइजन है क्या, नहीं सर, इसके पहले वाले एग्जांपल में सिर्फ एक होराइजन था छः साल का, उसके भी पहले जब मैं समझा रहा था तो पाँच साल का एक होराइजन था जिसमें मैंने पूरा टेबल बताया था, यहाँ दो दो है तो आप दो का एवरेज कैसे निकालोगे, वेटेड एवरेज, और वेट क्या लोगे, जो लाइबिलिटी है वो, आपकी आज से एक साल में प्रेजेंट वैल्यू जो आ रही है लाइबिलिटी की वो 4.535 आ रही है और तीन साल में 2.985 आ रही है, तो कैसे निकालोगे, 4.535 कितना होता है 7.52 में, और 2.985 कितना होता है 7.52 में, प्लस वेटेड एवरेज, तीन साल का 4 मिलियन है ना, एक बार मेरे को ना क्रॉस चेक करने दो, ठीक है, सो 1.7939 आता है आपका होराइजन, तो
इन्वेस्टर का होराइजन हमारा वेटेड एवरेज आ रहा है 1.7939 ईयर्स फॉर इम्यूनाइज्ड पोर्टफोलियो. ध्यान देना, ड्यूरेशन शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टर्स होराइजन. सो देयरफॉर ड्यूरेशन कितना हुआ 1.7939 ईयर्स. और अब कहानी वापस, ड्यूरेशन कैसे निकालते हो, समेशन ऑफ वेट आई डी आई 1.7939. सो वेट ए डी ए प्लस वेट बी डी बी इज इक्वल टू 1.7939. वेट ए नहीं पता, ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट बॉन्ड इज 1 ईयर, प्लस वेट बी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस वेट ए, क्योंकि दो ही बॉन्ड है. अगर एक का वेट वेट ए है तो दूसरे का वेट 1 माइनस वेट ए, उसके अलावा और क्या हो सकता है. इनटू ये ड्यूरेशन है 4, इसका तो ड्यूरेशन 4 लेंगे, जो भी बॉन्ड का पूरा टोटल वैल्यू है वही ड्यूरेशन पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे 1.7939. वेट ए प्लस 4 माइनस 4 वेट ए इज इक्वल टू 1.7939. सो अब इसको आप क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, तो 3 वेट ए इज इक्वल टू 2.2061. तो वेट ए आपका आ जाएगा 0.7353 54, एंड वेट बी आ जाएगा 0.2646. तो आप एक चीज याद रखो, ये वो वेट्स है जिससे बॉन्ड इम्यूनाइज्ड होता है, मतलब इतना परसेंटेज अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे टोटल का तो आपका बॉन्ड इम्यूनाइज्ड पोर्टफोलियो बन जाएगा. सो देयरफॉर बॉन्ड ए बॉन्ड बी इन्वेस्टमेंट लिखता हूं सीधा मैं 7.52 टोटल आ रहा था आपका, याद है, इसका 73.54% और 7.52 का 26.46%. यह आ गया सर 5.53 डॉलर मिलियन $1.99 million. इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट 7.52 मिलियन का होगा और अब ये पोर्टफोलियो कहलाएगा इम्यूनाइज्ड पोर्टफोलियो. अब इसमें आप कैलकुलेशन करके देखोगे, कुछ भी यील्ड ऊपर नीचे लेके देखो तो भी सर आपकी टोटल वैल्यू जो है आपके टाइम पे, आपका एवरेज ड्यूरेशन जो बनता है 1.793 इयर्स में, आपका एग्जैक्टली बनेगा जितनी लाइबिलिटी आनी चाहिए. तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 7.52. ये पूरा कैलकुलेशन समझ में आया. सबसे पहले हमने शुरू किया था लाइबिलिटी से, एक साल में, चार साल में जो तीन साल में जो लाइबिलिटी है उन दोनों को खींच के लेके आए और पता किया कि यार इस लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है. जितनी लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू है उतना ही हमने इन्वेस्टमेंट करना है. 7.52 मिलियन आ रहा था तो असेट लाइबिलिटी, अगर प्रेजेंट वैल्यू लाइबिलिटी 7.52 है तो असेट भी 7.52 होना चाहिए. अब टोटल हमको इन्वेस्टमेंट करना पता चल गया, लेकिन इसमें ए का हिस्सा कितना और बी का हिस्सा कितना ये नहीं समझा. तो ए का, अच्छा यहाँ पे ए और बी क्या है सर, 1 ईयर बॉन्ड. ए हमने 1 ईयर लिया था और ये 4 ईयर बॉन्ड.
एक साल वाले में और चार साल वाले में कितना इन्वेस्टमेंट करना, तो हमने पहले ड्यूरेशन निकाला कि एक साल और तीन साल में हमारी लाइबिलिटी है, तो एक साल और तीन साल का एवरेज आता है 1.7939, क्योंकि एक साल में जो लाइबिलिटी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 4.535, तीन साल की प्रेजेंट वैल्यू 2.985, तो इस हिसाब से 7.52 बनता है। उस हिसाब से हमने निकाला कि एवरेज ड्यूरेशन इन दोनों के बीच में आता है वो है 1.79 ईयर्स, और 1.79 ईयर्स अगर हमारा इन्वेस्टर का होराइजन है तो उतना ही ड्यूरेशन होना चाहिए इम्यूनाइज्ड पोर्टफोलियो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो हमने ड्यूरेशन ले लिया। अब ड्यूरेशन अगर 1.7939 होना चाहिए तो उसको इक्वेशन के फॉर्मेट में सॉल्व करते गए और वेट आ गए, और दोनों वेट से हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया लाइबिलिटी से असेट। मैं आपको एक फ्लो दिखा देता हूँ। यहाँ पे लाइबिलिटी आपने पहले निकाली जो बना बाद में असेट, ठीक है, और दूसरे हाथ में आपने होराइजन निकाला जो बना बाद में आपका ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन से आपने निकाले वेट्स, और ये वेट्स को लगाया असेट्स पे ताकि आपको इन्वेस्टमेंट का पता चले, और ये इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया। ये है फ्लो जो हमने किया। दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्ड इम्यूनाइजेशन कॉन्सेप्ट। अभी तो फिलहाल सिर्फ दो क्वेश्चन है, आगे मैं अपडेट्स या जो एक्स्ट्रा लेक्चर्स डालूंगा कभी, तो बॉन्ड के अगर इम्यूनाइजेशन के और क्वेश्चन मिलते हैं कहीं आते हैं तो मैं ज़रूर उसको अपडेट करूंगा, बट फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि इनमें हमने दोनों चीज़ें कवर कर ली। पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने कवर नहीं किया था वो था सर कि ये इन्वेस्टमेंट की अमाउंट निकालना, अमाउंट नहीं निकाला पिछले क्वेश्चन में, हमने सिर्फ वेट्स वेट्स और वेट्स पे ही कैलकुलेशन किया, ड्यूरेशन भी निकाला था। इस बार ज़्यादा ड्यूरेशन का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट डायरेक्ट हमने लिया है फिगर। सो दीज आर द टू क्वेश्चन एंड दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड इम्यूनाइजेशन। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे एक्साइटेड, वी आर गोइंग टू डिस्कस रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।